जीजा जी, 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 जीजा जी। कहिए साहब घर पे हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या मतलब? मतलब आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप कोई सीनियर ऑफिसर हो फिर तो घर पे ही हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिसर हो फिर भाई पूछ के बता देता हूँ। तो बताओ यार, अगर मैं सीनियर ऑफिसर होता तो मैं घर थोड़े ही आता, फिर तो साहब मेरे घर आते ना। मतलब ऑल दैट क्लियर, आप बड़ी जूनियर सी किस्म के ऑफिसर हो। फिर जूनियर ऑफिसरों को सर घर पे नहीं मिलते, दफ्तर में बात करना। ओ यार, कल मैं सारा दिन दफ्तर में बैठा रहा पर साहब मिले नहीं। मैंने सोचा चलो घर चलकर ही बात कर लेते हैं, हैं? ये छोटा सा गिफ्ट था। दरअसल गिफ्ट देखकर मेरा मन पसी जाता है, मैं बड़े नरम से दिल का इंसान हूँ। पर जो सर है ना, गिफ्ट को रिश्वत समझते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। अरे यार, और कितना सस्पेंड कर लेंगे हैं? मैं तो पहले से ही सस्पेंडेड हूँ। वेरी गुड, मेरा मतलब दलेर आदमी हो, दलेर सिंह को मिले हो, हमारे गाँव के लगते हो। दलेर सिंह, काम अपना बंद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि मेरे शूज पॉलिश क्यों नहीं हुए आज? सर इसीलिए तो एडवांस में काम रहा हूँ जी। बदतमीज, ये जवान कौन है भाई? मैं सर, नमस्ते सर। ये क्या नाम हुआ भाई? नाम नहीं, नाम मेरा मंगत राय है जी। जनाब के लिए छोटा सा गिफ्ट है। मीन्स रिश्वत? नहीं नहीं सर, रिश्वत नहीं, वो दिवाली आ रही है ना। दिवाली? एक दिवाली तो अभी निकल के गई है, ये कोई नई दिवाली चली है? बैसाखी आ रही है। चलो कोई नहीं, बैसाखी में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट आंख इंस रिश्वत। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता, कुत्ता तो सर आपको पता ही है उसके। ओ यस, कुत्ते को तो दांत खराब है। नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही भौंकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सिद्धू आईएएस को रिश्वत ऑफर करने की? ना 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 सर, ये नौकर के लिए। आपने बताया नहीं, नौकर के लिए कैसा तो है भाई? सर ये हमारे गांव बर्बादपुरा से है ना, वहाँ पहली बार किसी की तरक्की हुई है। ओह दैट्स ग्रेट, मुबारक हो भाई, सेलिब्रेट करो दलेर सिंह। इन्हें सत्तू घोल के पिलाओ ना जो गाँव से आए हैं। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा सर, सर मुझे आपसे भी जरा काम था। नो 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 काम, नो काम, घर पे कोई काम नहीं, जो काम है ऑफिस में आके मिलो। ठीक है दलेर सिंह, ऑफिस फोन कर दो, साहब दफ्तर के लिए घर से चल चुके हैं। अगर साहब से बात करनी है तो उनसे पहले ऑफिस पहुंचो। हाँ। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, ओ राम सिंह। ओ मैंने कहा जी मुझे इतनी जोर जोर से आवाजें ना लगाया करो, आफ्टर ऑल मैं एक सीनियर पीएन हूँ। यार तुझे तीन तीन आवाजें लगानी पड़ती हैं तब तू धीरे धीरे चल के आता है। ओ जी सीनियर पीएन होने के नाते मुझे पहली दो आवाजें तो इग्नोर करनी पड़ती हैं। शट अप, अपनी सीनियरिटी साहब को समझाना, अभी घर से फोन आया, चल चुके हैं, किसी वक्त पहुंचने वाले हैं। ओहो जल्दी जल्दी सफाई करूं फिर तो। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं जाके पहले ना पानी लाता हूँ, साहब ने आते ही दवाई खानी है, तो आप ऐसा करो मेज साफ करो, मैं पानी लाता हूँ। ठीक है। क्या बकवास कर रहा है? ओ चलो मेज मैं साफ कर लेता हूँ, पानी आप ले आओ। मैं कहता हूँ तू अपनी औकात में रह। औकात तो तब पता चलती है जब साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जब साहब किसी पॉइंट पर गलत होते हैं तो मैं कह देता हूँ सर आपका ये पॉइंट गलत है। अच्छा, मुझे लगता है सपने में कहा होगा, क्योंकि जब साहब दफ्तर में नहीं होते तो आप खूब सोते हो। शट अप, मैं कोई आम पीए नहीं हूँ,
मैं बहुत बड़े बड़े चेयरमैनों और सेक्रेटरियों का पीए रह चुका हूँ। एक बार मैं किसी पॉइंट पे अड़ जाऊं तो फिर सिद्धू तो क्या, सिद्धू का बाप भी मुझे वहां से हिला नहीं सकता। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, आप मेरे फादर साहब के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली आप मेरे फादर जैसे ही हो। मैंने अपने फादर से भी इतना कुछ नहीं सीखा सर जितना आपसे सीखा। सर सीट प्लीज। राम सिंह जी सर, पानी कहाँ है? मैं लेने जा रहा था कि आप। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले पानी होना चाहिए यहाँ? मैं अभी लाता हूँ सर। असिस्टेंट कमिश्नर से बात करवाओ मेरी। किसकी बात करवाऊं सर? पीएन की। अच्छा सर, मेरी बात करवाओ। और किसकी करवाओगे? सॉरी सर। शट अप। हाँ जी हेलो, कमिश्नर साहब बात करेंगे। क्लीन इट और गंदा सर। हाँ जी मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने टैक्स के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। जो भी टैक्स चोरी करता है उसके साथ सख्ती से पेश आओ। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। ओके सर, मंगत राय ईटीओ जलंधर आपसे मिलना चाहते हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं सर। सुबह से कब से? 5 बजे का आया वो? प्रभात फेरी के साथ आया था क्या? जब 9 बजे ऑफिस लगता है, 9:10 पे मैं आ गया हूँ, कब से आया वो सुबह से? नहीं सर, एक्चुअली आज सुबह से नहीं, कल सुबह से बैठे। तो कल क्यों नहीं मिलवाया उसे? एक्चुअली सर, कल आप मीटिंग में बिजी थे और दोपहर को पोएट्री लिख रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कल बस वो दोपहर वैसे बैठे बैठे मूड बन गया। दो लाइनें बहुत अच्छी हैं बेटे। कल आओ ना बेटे, बैठो इधर, आ जाओ चेयर, घुमा लो इधर सर, घुमा लो। अच्छा कल जो लाइनें बनी है ना, तो उसमें कल वैसे शुरू की मैंने, दोपहर में मूड बन गया था। तेरे दिए जख्मों से आज तक भी धुआं निकल रहा है। तेरे दिए जख्मों से आज तक भी धुआं निकल रहा है। हो ना जाए कहीं फिर हरे, एक बार आके नमक छिड़क जा। क्या शेर लिखा है सर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आइडिया सर। ये बस सुबह वो ब्रेकफास्ट करते करते लास्ट लाइन बनी है, एक बार आके नमक छिड़क जा। नमकदानी हाथ में पकड़ी, उससे आइडिया आ गया, मैंने शेर कंप्लीट कर दिया सर। नाश्ते के वक्त तो मिर्जा गालिब को भी शेर लिखने का आइडिया नहीं आया होगा सर। Well, he was a great poet actually, पर हो सकता है कभी गालिब साहब नाश्ते के टाइम उठे ही ना हो। सर आपने इतनी पोएट्री लिखी है, इतने शेर लिखे हैं, क्यों ना एक बुक छपवा ले? Not a bad idea, but problem is this, Mr. Mohanlal, कि अपनी किताब पढ़ेगा कौन? ये तो है सर। आप फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं। गेट अप, खड़े जो चेयर उधर को जहां थी। यू गो एंड डू योर वर्क सर। ले भट्टी ले जाते हैं सर। मंगत राय ईटीओ जलंधर। कौन मंगत? भेजो से। ठीक है सर। हाँ जी महाजन साहब, गुड मॉर्निंग। अखबार पढ़ी आज की? हिमाचल में से 2 ट्रक शराब के पंजाब में स्मगल होते पकड़े गए। पहले पकड़े गए, फिर पैसे लेके छोड़ दिए गए। किन ऑफिसर्स ने पकड़े, किन्होंने छोड़े, मुझे डिटेल्स चाहिए सारी। ना आई डोंट वॉन्ट विस्के, आई वॉन्ट एक्शन ओनली। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ओ मुबारक हो जी, हाँ कांग्रेचुलेशंस। बेटर प्रमोशन हुई ना आपकी? नहीं सर, प्रमोशन एक्चुअली हुई है संगत राय की। मेरा नाम है मंगत राय। आपने मुझे सर सस्पेंड किया हुआ है। किस केस में? सर आपका दास एक छोटी सी रिश्वत लेते पकड़ा गया था, सिर्फ 20,000 रुपये। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। हाउ डेयर यू, कैसे है मतलब मेरे सामने बैठने की तुम्हारी? सर एक्चुअली मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता था। आई डोंट वांट एन एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेन करना इंक्वायरी कमेटी को। सर मुझे फंसाया गया है। यू जस्ट लीव माय ऑफिस। सर जबरदस्ती? गेट आउट ऑफ हियर। हेलो। हाँ जी क्या हो रहा है? क्यों कुछ होना था यहाँ? नहीं मैंने तो वैसे पूछा है, भजन सिंह जी ने अपने बेटे की फोटोज भेजनी थी अपनी टिमी के लिए। हाँ हाँ मिल गई फोटोज, मैं अभी दिखाने लगी हूँ टिमी को। दैट्स ग्रेट, टिमी को फोटो दिखा लो तुम। अगर टिमी को पसंद आता है लड़का तो लेट मी नो, हम संडे को बुला लेते हैं उन लोगों को। हाँ ठीक है। ओके टिमी, ये कुछ फोटोज हैं लड़के की, रिश्ते के लिए, देख जरा। मॉम मुझे कोई आम लड़का नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समवन डिफरेंट। आई वॉन्ट समवन डिफरेंट? क्यों, लड़के के कोई सिंग निकले होने चाहिए या पूंछ होनी चाहिए बंदर की तरह? डिफरेंट चाहिए। आई मीन मैं ट्रेडिशनल शादी नहीं करवाना चाहती, आई वांट समवन डिफरेंट मॉम। ठीक है डिफरेंट बाद में सोचेंगे, पहले ये फोटोज देख ले,
पसंद कर ले, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। ओहो, आराम से देख ले क्या करती है। मॉम, ये तो वाकई डिफरेंट है। I mean, no harm in meeting. अच्छा? पर इसे मिलने के लिए भी, I want something different. इधर आओ। ओ जी, क्या बात हो गई जनाब? आओ जरा करो साहब से बात। नमस्ते जनाब। हाँ भाई, ये ट्रक में क्या भरा हुआ है? ट्रक तो बस समझो कि बिल्कुल खाली है जी। बिल्कुल खाली है? अरे देखने में तो भरा हुआ लगता है। ये तो आपके देखने पर डिपेंड करता है। वैसे तो ट्रक बिल्कुल खाली है, और अगर आप इतने गुस्से से देखेंगे तो आपको खाली ट्रक भी भरा हुआ लगेगा। ज्यादा पहेलियां मत बुझा, ये बता कि इसमें है क्या। जनाब फर्नीचर है जी, हम फगवाड़े से दिल्ली तक ले जा रहे हैं। टैक्स के कागज दिखाओ। टैक्स तो हम हमेशा भर के चलते हैं जनाब, पर मेरे पास एक एक स्पेशल पास भी है। स्पेशल पास? हाँ हाँ, चेक कर लो, देख लो। ये क्या है बे? इसमें तो सिर्फ जीजा जी लिखा हुआ। ओ, चलो जाओ भाई, जाने दो, कागज पूरे हैं। ठीक है ना जी। नमस्ते जनाब। नमस्ते। नमस्ते। जनाब ये कौन सा स्पेशल पास हुआ, और ये जीजा जी कौन है? तुम अभी नए इंस्पेक्टर भर्ती हुए हो। जिस आदमी को जीजा जी का नहीं पता, वो तो महकमे में नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी नहीं कर सकता? जीजा जी, जीजा जी, मेरा एक काम था। हाँ, वो करवा देंगे, कोई बात नहीं। जीजा जी, पैरी बहना जी। हाँ जी, तेरो जीजा जी, सुबह 7 बजे आपके घर कई फोन किए, आपने उठाया नहीं। आज असल में था हमारा नहाने का दिन, जिस दिन नहाने का दिन हो ना, फोन जरा कम ही उठाते हैं। वो क्यों जी? इसलिए कि उस दिन शरीर जरा गर्म सर्द होता, फोन उठाते ही गर्दन में बल पड़ जाए। अच्छा जी। भाई साहब, ये साहब कौन थे, और ये सबके जीजा जी कैसे हो सकते हैं? वो आपको नहीं पता, ये हमारे बड़े साहब सिद्धू साहब के जीजा जी हैं, इसलिए सारे महकमे के जीजा जी हैं। माले यार। भजन सिंह जी 6 बजे आ रहे हैं अपने बेटे को लेके। ठीक है, तो आप भी शाम को फिर टाइम से आ जाना, और आते हुए कोई सेमी नॉन वेज स्नैक्स लेते आना। सेमी नॉन वेज स्नैक्स? वही चिकन में आलू से भरे हो, और क्या। ओके, आई विल सी टू इट। सर जी, जीजा जी आ रहे हैं। मर गए। कौन मर गया सर जी? माय वाइफ। वाइफ? अरे नहीं वो पीएन यार, नहीं यार, कोई नहीं मरा। ओके, हाँ क्या है? मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाकर रिसीव करो उन्हें। मेरा मुंह बहुत बार देखा है तुमने, जाकर रिसीव करो जीजा जी को। अच्छा जी। माँ जी, आप भी शाम के लिए कोई बढ़िया सा सूट निकाल के प्रेस करवा लो पहनने के लिए। बेटा, उन्होंने हमारी टिम्मी को रिश्ते के लिए देखने आना है, ना कि मुझे। टिम्मी तो पसंद आ ही जानी है जी, कहीं दादी की वजह से रिश्ता ना टूट जाए। चुप जाना, बकवास मत कर। गमला उठा, सीढ़ियों के बीच में रखा हुआ है, कोई गिर पड़ा तो? अगर लड़का आते ही गमले से टकरा कर गिर पड़ा तो कितना डिफरेंट स्वागत होगा। मॉम, I want something different like this. टिम्मी, अकल कर, फालतू नहीं बोलते। गप्पे मारने से अच्छा कि तू साफ सफाई में हाथ बटा। ओके। दिलेर सिंह। हाँ जी। ये जो सांप और नेवला टंगा है ना दीवार पर, इन्हें उतार कर बाहर फेंक। खबरदार। खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो। क्यों जी, ये काटते हैं? आहो, काटते हैं। ये जीजा जी आप लेकर आए थे कलकत्ते से? डैड की जीजा जी को और कोई चीज नहीं मिली कलकत्ते से लाने को। लड़ते हुए सांप और नेवला, आई थिंक ही ट्राई टू बी डिफरेंट। क्यों ना हम इसे किसी बहाने से बाहर फेंक दे। ऐसे करते हैं जी, मैं इन्हें कहीं दूर नहर में फेंकाता हूँ, जब जीजा जी आएंगे तो उनको कह देंगे भाई रात लाइट चली गई थी, बिल्ली चूहा समझ के। बीवी जी ऐसा करते हैं कि सांप और नेवले में आलू डाल के मिक्स वेज बना लेते हैं, बड़ा मजा आए। तू चुप कर, कल मुही कहीं की, और तू चुप करके अपनी साफ सफाई कर जो कर रहा है, कहीं फेंकने से जीजा जी माइंड ही ना कर जाए। माइंड तो मैं करता ही नहीं। देखो जी, सोचने वाली बात ये है कि मंगत राय अपना दोस्त है, इसे हमने बचाना कैसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड जीजा जी, एक बार सस्पेंड करना पड़ेगा इनको, 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। मैंने इसे समझा दिया है कि शर्म रिश्वत नहीं लेते, थोड़ा पर्दा रख लिया कर। देखो जीजा जी, ये केस मंत्री साहब की नॉलेज में है, आई एम हेल्पलेस। पर सर, मेरी विनती ये है कि वो 20,000 रुपए मैंने अपने लिए। हेलो, आप बार बैठ के चाय पियो, मैं जीजा जी को सारी बात समझा देता हूँ। बैठे रहने दो यहीं, ऐसी कौन सी बात है जीजा जी? एक जूनियर सा रिश्वतखोर सस्पेंडेड कर्मचारी मेरे सामने मेरे साथ बैठ के चाय पी रहा है, अच्छा लगता है? क्यों, सस्पेंडेड बंदे को चाय पीनी मना होती है? आप बार बैठ के चाय पियो, चलो ये ले जाओ कप साथ अपना, चलो। ठीक है, फिर मैं भी बार बैठ के चाय पी लेता हूँ। जीजा जी समझा करो आप, देखो सरकारी दफ्तरों के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। हेलो,
चलो बाहर बाहर बैठ के चाय पी। ठीक है जी, तो मैं जाता हूँ बाहर। नहीं नहीं नहीं, इसे बाहर निकालने का मतलब है कि मुझे बाहर निकालना, इसकी बेइज्जती करने का मतलब है मेरी बेइज्जती करना। फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप दोनों यहाँ बैठ के चाय पियो। ओहो, हमारे बैठे हो, तुसी बाहर जाओगे, ये भी तो हमारी बेइज्जती है। जान ले लो मेरी। जीजा जी देखो, एक्चुअली मुझे मंत्री साहब के पास जाना है, मीटिंग है मेरी उनके साथ। मंत्री जी के पास जा ही रहे हो तो मंगत राम के बिहाफ पे माफी मांग लेना। क्या बात कर रहे हो आप, मैं माफी क्यों मांगू? गलती इसने की, रिश्वत लेते ये पकड़ा गया, माफी मैं मांगू वहां जाके? व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? भाई है तो तुम्हारे अंडर ही ना, तुम्हारी भी तो उतनी बेइज्जती है। मेरा मतलब हमारा यार मित्र है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। नो, इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भट्टी साहब, मैंने तो पहले कहा था कि इनके बस का कुछ नहीं है, हम कोई और सिफारिश ढूंढते हैं। बदतमीज लोग, एक तो रिश्वत लेते सारे हम पकड़े जाते हैं, ऊपर से अफसरों से जबान लड़ाते हैं। बताओ, मैं भी चलता हूँ जी। जीजा जी, आप बैठो, मैं आपको सारी बात समझा। अब समझने को रह ही क्या गया है? जीजा जी, अगर आपने बीए पास की होती ना तो आप सब समझ जाते कि इन सरकारी दफ्तरों का कोई डेकोरम होता है। नहीं, आप बार बार मुझे ये जताना चाहते हो कि मैं बीए फेल हूँ। नहीं जीजा जी, देखो आप अपने काम के बड़े माहर होंगे, पर देखो सरकारी दफ्तरों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, जीजे को दफ्तर बुला के बीए फेल कह के जलील कर रहे हो। नहीं वैसे मैंने कब आपको दफ्तर बुलाया था अपने? मेरा मतलब कब मैंने आपको बीए फेल कहा है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफी मांगता हूँ आपसे। ना ना, हम कौन होते हैं माफी देने वाले, हम तो बीए फेल, आप इतने बड़े आईएएस अफसर। मेरी बात सुनिए, यहाँ बैठ के चाय पीजिए, चाय पीजिए। ना ना, मुझे नहीं पीनी चाय, आप पियो, तीन का पड़े। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हो जीजा जी? धन्य आप जीजा जी। हाँ भाई, वो मिठाइयाँ वगैरह मैं ले आया हूँ सारी, और तुम्हारे वो सेमी नॉन वेज स्नैक्स, पटेटो टंगड़ी भी ले आया हूँ मैं, और पकौड़े वगैरह घर में बना लेना। ओके, पकौड़े तो हम घर में ही बना लेंगे, पर जीजा जी को मैसेज करके फटाफट बुलवा लो। छिंदी बहन को फोन करो कि वो आ जाए, जब रिश्ता वगैरह हो जाएगा ना, जीजा को तब बता देंगे बस। उनको अगर बाद में पता लगेगा तो वो माइंड नहीं कर जाएंगे। अगर कहीं लड़का देखने के लिए जीजा को बीच में बिठा लिया ना, तो पक्की बात है रिश्ता नहीं हो सकता, कुछ ऊट पटांग बोल देना उसने। अरे वो तो सड़क पे जाते हुए रिक्शा नहीं होने देता, रिश्ता कहाँ से होने देगा वो? इतनी भी नालायकी वाली बात नहीं करेंगे, आप छिंदी बहन जी को फोन तो करो, उन्हें जल्दी लेके आ जाएंगे वो। नहीं, मेरे साथ दफ्तर लड़के गया वो। बेटा, जीजे को नाराज नहीं करते। देखो जी, आज टिम्मी के रिश्ते का दिन है और जीजा जी किसी कीमत पर नाराज नहीं होने चाहिए, आप फोन तो करो। हेलो। हाँ जी जीजा जी, किससे बात करनी है, छिंदी बहन से? नहीं नहीं, अब बात तो आप ही से करनी है जी। मैं तो साहब के दफ्तर आया था, वहाँ तो बात की नहीं है। नहीं देखो जीजा जी, मतलब दफ्तर की बात दफ्तर में, घर की बात घर में। ठीक है, आप अपने घर बातें करो, मैं अपने घर करता हूँ। जीजा जी, रूठ गया जीजा, फोन पटक के मारा उसने। बेटा, जीजे को नाराज नहीं करते, तू बस अब दोबारा फोन कर। वैसे मैं कहता हूँ कि जीजा को रिश्ते के बारे में बताने की जरूरत ही क्या है, जब सारी बातचीत हो जाएगी तब जीजा की नजर भी लगवा देंगे रिश्ते पे। नजर लगवा नहीं देंगे, नजर डलवा देंगे। जीजा की नजर इतनी बुरी है ना, जहाँ सरसरी नजर भी डाल देना, नजर अपने आप लग जाती है वहाँ। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो जीजा कहे का जो रूठे ना, फिर जीजों का तो काम ही होता है रूठने का। तू बस अभी दोबारा फोन कर और माफी मांग। किस चीज की? जो गलती तुझसे हुई है। मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा उससे। ठीक है, मत मांगो माफी, मैं माफी मांग लेती हूँ, अब अपनी नाक पे मक्खी मत बैठने देना। देखो, हस्बैंड से कभी माफी नहीं मांगी, जीजे से भाग भाग के माफी मांग रही। हेलो, सत श्री अकाल जीजा जी, मैं रानी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। जीजा जी, लगता है आप माइंड कर गए। नहीं नहीं, मैं तो माइंड करते ही नहीं है, हमें तो फक्र ही बहुत है, हमारा भाई इतना बड़ा आईएएस अफसर लगा हुआ है, बस छोटा मोटा काम लेके उनके पास चले जाते हैं। जीजा जी, आपका काम हो जाएगा। ये माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मैं जीजा जी को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सका। क्या अटेंशन नहीं दे सका मैं? कमाल करती हूँ, तुम भी मेरे पास आए, मैंने चाय मंगवाई, काजू वाले बिस्कुट साथ मंगवाए, मेरे सामने बैठ के बिस्कुट चाय में डुबा डुबा के खा के काजू वाले, और अटेंशन क्या हो सकती है? चुप करो ना। ये पीछे से क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, जीजा जी ये कह रहे थे आपका वो जो आदमी है ना मंगत राय, वो बहाल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्यों कैसे डाल सकते हैं? लो लो, दफ्तर में तो उन्होंने मेरे बंदे मंगत राय की बेइज्जती कर दी। दरअसल जीजा जी, बात ये है कि आज सुबह है ना, इन्होंने ना दो स्ट्रॉन्ग कैप्सूल खा लिए थे, जिनकी गर्मी ना जरा इनके सर में चढ़ गई है। नहीं, बाद में दो शरबत के गिलास पी के इन्हें होश आ गया था जाके, और होश आते ही ना इन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं जीजा जी का काम ना जरूर करूंगा। हाँ, जरूर करूंगा। आप माइंड ना करना, उन्हें समझाओ कि अंग्रेजी दवाइयाँ कम खाया करो।
हमारे पास हर बीमारी का देसी इलाज है। हमारे मोहल्ले में जो सुंदरलाल हकीम है ना, जो मर्जी दवाई को भेज देते हैं। अच्छा जीजा जी, जीजा जी मैं आपको आधे घंटे बाद फोन करूं? आधा घंटा नहीं, तुम ऐसे करो मुझे 45 मिनट के बाद फोन करो। अभी मैं कुछ देर कश्मीर मसले के बारे में सोचना चाहता हूँ, इस दौरान मैं फोन अटेंड नहीं करूंगा। कश्मीर का मसला? ठीक है, सत श्री अकाल जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, किस चीज की श्योरिटी ले रही हो तुम? कैसे उस मंगत आए को बहाल करूंगा मैं? ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना आपका काम है। आधे पौने घंटे के बाद जीजा जी को फोन करके इनवाइट कर लेना, वो आ जाएंगे। वाह वाह सरदार जी, आज क्या बात है, शाम को आप घर पर ही बैठे हो और पीपल के नीचे जाके बैठ जाऊं? मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आमतौर पर आप शाम को घर ही नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं बाहर रहूं तो कहते घर नहीं रहते, अगर घर बैठूं तो कहते बाहर नहीं जाते। जब कोई आदमी दफ्तर जाता है तो पता होता है कि आदमी ने 9 बजे जाना है और 5 बजे शाम को आना है। आपका तो सिस्टम ही मुझे नहीं समझ आया। रोटी पका के रखो तो जनाब बाहर से खा आते हैं, जब ना बनाओ तो घर आके शोर मचाते हैं, मैं भूखा हूँ मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। ओया कल के साथ बात कर, हम सोशल वर्कर होते हैं, सोसाइटी को जब भी कहीं जरूरत पड़ती है हमें जाना पड़ता। ये ले मेरा कार्ड, इस पे मेरे टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँ आपके कार्ड का? रख लो, नए छपवाए हैं। ये किस तरह का कार्ड है? जसपाल भट्टी, जीजा जी ऑफ सीनियर आईएएस एसएस सिद्धू। ये मैंने इसलिए छुपाया है कि मेरा दर्जा तेरे भाई से ऊंचा आएगा। मुझे किसी काम के लिए तेरे भाई की तरह सीएम या चीफ सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे समझ नहीं आता इस बात में मेरा भाई कहाँ से आ गया। हेलो, लो तेरा भाई है। सिद्धू साहब, मैंने तुमसे कहा था कि 45 मिनट के बाद फोन करना, तुमने 40 मिनट के बाद ही कर दिया। मुझे लगता है जीजा जी मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है। हाँ तो घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिला लो भाई, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। इस तरह के रुखे आदमी हो आप, कौन सी मीटिंग में बिजी हो? ये जो मीटिंग होती है ना, सिर्फ आईएएस अफसरों की नहीं होती, हमारी भी होती है, हम भी बिजी आदमी है। तू मेरी बात ध्यान से सुन जरा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किचन में बिजी हूँ, मैं नहीं बात सुन सकती। टाइम पूरा हो गया। कौन पूरा हो गया? टाइम पूरा हो गया है। किसका? और जीजा जी को फोन करने का टाइम पूरा हो गया। माँ जी समझते क्यों नहीं आप? तो फिर करो ना फोन। मैं नहीं उस आदमी को बार बार फोन कर सकता, आप खुद करो। बड़े डरपोक हो आप तो। डरपोक नहीं हूँ मैं, सारा डिपार्टमेंट थर थर कांपता है मुझसे, वो आदमी बड़ा टेढ़ा है। हेलो जीजा जी, गुस्सा थूको, तैयार हो जाओ, छिंदी को साथ लो और जल्दी से हमारे घर आ जाओ। ओ, अब इस वक्त? जीजा जी प्लीज, मुझे पता है अब मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, तुम्हें वाकई ना नहीं कर सकता, पर आज खास बात क्या है? जीजा जी हमारी टीमी को लड़का देखने आ रहा है और आपका होना बहुत जरूरी है। और उसमें मैं क्या करूँगा? जीजा जी आप सोशल वर्कर हो, आपको सारे शहर के बारे में पता है, और अगर लड़का आपकी नजरों से गुजरा होगा तो अच्छी बात है, आप तो वैसे ही समझदार हो। मैंने देखा है तुम्हारी फैमिली में एक तुम ही हो भाभी जी, जो मेरी काबिलियत को समझते हो। जीजा जी ऐसी बात नहीं है, सिद्धू साहब भी बहुत इज्जत करते हैं आपकी, तो फिर आप आ रहे हो ना? हाँ, इतने प्यार से बुलाओगे तो मैं आ ही जाता हूँ। आ रहे हैं। छिंदी, ओ छिंदी। ओहो, क्यों आवाजें लगाई जा रही हो, क्या बात है? जरा सिद्धू साहब के घर जाना पड़ेगा। क्यों, वहाँ क्या है? उधर ना टिम्मी को देखने के लिए कोई लड़के वाले आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा जरा। मैं तो तैयार हूँ। तैयार है तो सर बिखेर ले, मेरे कहने का मतलब है कि सूट शूट बदलो चलें। मैं अभी तैयार होती हूँ। देखा कितनी खुश है, यही अगर मेरे रिश्तेदारों की तरफ जाना होता, इसका पेट दुख रहा होना था या इसका सर दुख रहा होना था। आजो आजो आजो, वेलकम वेलकम भजन सिंह जी, आइए आजो बेटा, आजो 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 बेटा। घर तो बहुत खूबसूरत बना है, आप बनाया था? नहीं जी, मिस्त्री लगा लिए थे, क्योंकि खुद तो बहुत मुश्किल है ना, ड्यूटी पर भी जाना, घर भी बनाना, टू डिफिकल्ट। हमें ये आइडिया नहीं आया, हम ऐसे ही खुद लगे रहे। और क्या, बैठो जी, बैठो बैठो प्लीज, बैठो बैठो। और सुनाइए सर भजन सिंह जी, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं जी नहीं, वो हम पहले पिछली लाइन में चले गए थे, वहाँ हमें किसी ने बताया कि उनके घर की निशानी है कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं। लोग तो लिख के लगाते हैं कि कुत्ते से सावधान, और आपने लिखा है कि कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं। दरअसल वो हमारे कुत्ते के मुंह में दांती कोई नहीं, चॉकलेट खा खा के सारे खराब कर लिए, इवन लड्डुओं का बड़ा शौकीन है, काटना क्या उसने खाक। अच्छा? पर भौंकता तो होगा। नहीं देखो, जब उसके मुंह में दांती कोई नहीं रहा
भौंकने की कोशिश करता है, मुंह से फूंक निकल जाती है, बड़ा एम्बैरेस फील करता है। उसने आजकल भौंकना भी बंद किया हुआ है। माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। टीमी बिटिया। ओहो ब्यूटी केट, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खुश रहो पुत्र। बेटा जी आप क्यों खड़े हो गए, इधर आओ बैठो। नहीं नहीं आप बैठिए, तुम इधर आ जाओ बेटा जी। बेटा उधर उधर बैठ जा बेटा, मेरे पास आ, नीचे नहीं रह जा, इधर यहाँ पे घुटना मल दे जरा। आ इधर बैठ जा। साड़ी कुड़ी के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं जी, पर मुंडा कोई पसंद नहीं आता। वैसे पुत्र जी थोड़ा पीछा कैसा है? पीछा तो माजी बिल्कुल ठीक है जी, आप खुद ही देख लें जी। वो इस पीछे की नहीं बात कर रहे, वो फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। पुत्र जी मैं आपको ये पूछ रही थी कि आपके दादे परदादे क्या करते थे? देखो माता जी, मैंने उनको वैसे तो देखा नहीं हुआ, लेकिन फोटोज में देखा हुआ है जी, और फोटोज में उनकी शक्लें ऐसी लगती हैं जैसे लाखों के कर्ज तले दबे हुए हों। बात ठीक है जी, वो तो लाखों के कर्जे के नीचे डूबे हुए थे, पर हमारी किस्मत अच्छी निकली, इनकी 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई और हमारे सारे कर्जे उतर गए जी। और दूसरी लॉटरी हमारी ये निकली है कि हमारे बेटा जी MBBS कर गए, अब तो ये IAS भी क्लियर कर गए हैं। मेरा ख्याल है हम हरप्रीत और टिमी को अकेले में बिठा दें, आपस में बातचीत कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक हरप्रीत? आई डोंट माइंड। हमारी टिमी के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं जी, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आता। लगता है आपके और रिश्ते वाले आ गए। चलो जी हम चलते हैं। नहीं नहीं भजन सिंह जी बैठो आप, मुझे लगता है वो जीजा जी आए हैं, वो मेरे जीजा जी, वो 3 बजे इकट्ठी मारते हैं। जीजा जी जल्दी आओ जल्दी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आइए आओ बैठो। भजन सिंह जी ये हमारे जीजा जी हैं, भट्टी साहब बैठो, भट्टी साहब। ये हमारी बहन छिंदी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बाई दिवे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? That qualification ही qualification. पता है। हाँ जी क्या है? तुमने मेरी क्वालिफिकेशन से क्या लेना? मुझे तुमने नौकरी पे रखना, लड़की की क्वालिफिकेशन पूछो। एक्चुअली हमारे जीजा जी में क्वालिटीज बहुत हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं जीजा जी। ये आप मेरा कार्ड रखो जी, कभी भी जरूरत पड़े अंधेरे सवेरे आवाज मार लो जी। आवाज लगाने की क्या जरूरत है, आपके टेलीफोन नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं हमारे तो लगा हुआ है, हो सकता आपने बिल ना पे किया हो, आपका कट गया हो। As I told you, जीजा जी हमारे बहुत मजाकिया हैं। पर मजाक दा भी कोई टाइम होता है? हमारा तो कोई नहीं होता, आपका कितने से कितने होता है? तुम लोग जाकर बाहर लॉन में बैठो, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ, जाओ। ओके। एक मिनट जरा इधर आना। नहीं यहीं बता दो। जरूरी बात है, जरा एक मिनट इधर आओ ना। ना रिश्ते से ज्यादा जरूरी बात कौन सी हो सकती है इस वक्त? देखो टिम्मी के रिश्ते की बात हो रही, जरा सोच समझ के बोलो। मैं तो सारी बात सोच समझ के करता हूँ, मैं तो हमेशा ही सोच समझ के बोलता हूँ ना। 2 मिनट चुप रहो ना, टिम्मी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। लो जी ये कहती है चुप रहने से रिश्ता हो जाएगा। ओ भजन सिंह जी आप खुद ही बताओ, चुप रहने से भी कभी बात बनी है? अगर चुप ही रहना था तो मुझे बुलाया क्यों है? चलो जी चलता हूँ। बैठिए बैठिए। बोलने दो जी इन्हें, बोलने दो। 4 लफ्ज बोलेंगे घर की कोई पोल ही खुलेगी। कोई पोल खुलेगी मेरी? वो पोल तो खुलेगी तेरी, और तू वही नहीं जो लॉटरी स्कैंडल में पकड़ा गया था? क्या ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश नहीं जी, मैं तो बेइज्जती कर ही रहा हूँ। बेइज्जती तो तेरी तभी होगी थी जब तू नकली लॉटरी छापता हुआ पकड़ा गया था। ओ याद नहीं उस वक्त तेरी जमानत मैंने तो कराई थी। मींस आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? देखो जी आपके जीजा जी को कोई गलत फैमिली हो गई है। मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकली जरूर थी, पर मैं किसी लॉटरी स्कैंडल में पकड़ा नहीं गया हूँ। और लॉटरी किसी गरीब आदमी की निकली थी, तुमने उससे ब्लैक में लॉटरी खरीदी थी अपनी ब्लैक मनी वाइट करने के लिए। जिस घर में ऐसा जीजा हो उस घर में हमें रिश्ता ही नहीं करना। ये रिश्ता करते हुए तो 4 बार मुझे भी सोचना पड़ेगा। 4 बार सोचने की जरूरत ही क्या, सिर्फ 2 बार सोचो, उसे 2 से गुना कर दो। जो मर्जी सोचो जी, पर सोचो ठंडे दिमाग के साथ, ये ठंडे पकौड़े और ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी के हमारे फ्रिज में बड़ी देर बाद बर्फ जमी है। हमारे हैरी बेटे को बुलाओ आप, हमें देर हो रही है। हाँ जल्दी कर लो जी, इन्हें घर में पुलिस ढूंढ रही होगी। हम एक दूसरे को जानते हैं, हाँ। एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, फिर तुमने अपने डैड को सीधे सीधे बता क्यों नहीं दिया कि मुझे हरप्रीत पसंद है? मैं भी मम्मी डैडी को बताने वाली थी कि अचानक मम्मी ने मुझे तेरी तस्वीर दिखाई और कहने लगी ये लड़का तुझे पसंद है, मैंने सोचा हम तो पकड़े गए। टिम्मी जब मेरे घर वालों ने तेरे डैड का नाम बताया ना, तो फिर मैंने मन में सोचा हरप्रीत ये तो तेरी लॉटरी लग गई। तुम्हारे घर लॉटरियां बहुत लगती है।
तो फिर मैंने सोचा टिमी के घर जाके चलो टिमी को सरप्राइज देते हैं। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा था। तो चल हम दोनों मिलके अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देते हैं। हाँ। चल। आपने कुछ खाया तो है नहीं? बस जी, हमें भूख नहीं है। ओ, भूख तो बाद की बात है जी, पहले डिजर्व तो करें। अपने जीजे का मुंह बंद करो, यूं ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप जरा कम बोलो, कहीं बना बनाया रिश्ता ना बिगड़ जाए। कौन से रिश्ते की बात कर रहे बहन जी, कौन सा बना बनाया रिश्ता? डैड, हमारा रिश्ता तो वाकई बना बनाया है, मुझे टेमी पसंद है। और फिर टेमू तेरे, रिश्ता पक्का करने से पहले लड़की का खानदान तो देख लेता। लो, क्या हुआ हमारे खानदान को भाई साहब? बिना दांतों वाला कुत्ता रखा आपने और काटने वाला जीजा। खबरदार खबरदार, जो हमारे कुत्ते के बारे में कोई लफ्ज बोला तो। ओए लॉटरी मास्टर, चुप करके यहाँ से खिसक ले। और पिछली बार तो तेरी जमानत हो गई थी ना, इस बार तेरी जमानत भी नहीं होनी। हम भी आखिर सोशल वर्कर होते हैं। सामान उठा लो जी, बात बनती लगती नहीं। वो तो दफा हो मनोज कहीं का। आप मेरी बात सुनो, खबरदार एक लफ्ज बोला तो। हरप्रीत को हमारी टिम्मी पसंद है, कहीं बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। कौन से खेल की बात कर रहे बहन जी? हरप्रीत, लड़की कहाँ छोड़। डैड, मैं आपको बता दूं, मैं टिम्मी का बगैर एक पल नहीं रह सकता, मैं जान दे दूंगा। रास्ते में नहर आती है, उसमें छलांग लगा के शौक पूरा कर लेना। आ गया बड़ा लैला। डैड, लैला नहीं मजनू होता है। ओ, मुझे पता है पता है, तू चल निकलने की कर, हटो जी पीछे। टिम्मी, चल चल पुत्र चल। वो तो चले ही गए। चलो गए तो गए फिर, अब मेरे ख्याल हम भी अब चले, क्या की देर हो रही है। देखो जी, दोबारा कभी रिश्ते के मामले में सलाह की जरूरत पड़ी ना तो हमें बता देना टाइम पे, हैं? चल फिर छिंदी, चलते हैं, हो गया काम जी। अब आपके सस्पेंशन वाले केस की फाइल अंदर भेजी हुई है, साहब की टेबल पे पड़ी है, पर आज ना जरा साहब का मूड खराब है। अरे भाई, मूड की क्या बात है, मूड ठीक कर देते हैं। जीजे से फोन कराएं। जीजा जी के साथ भी सुबह से दो बार झड़प हो चुकी है, मूड खराब है भाई, सिर्फ कविताएं लिख रहे हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, नो विजिटर्स नो फाइल्स। भाई साहब, मैं तो उनका खास आदमी हूँ, मुझे थोड़ी मना करेंगे। ठीक है, जाना है तो चले जाओ, पर अगर मुझसे पूछा तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे से बिना पूछे गए हैं। कोई बात नहीं, स्याही चाहे कितनी भी पक्की क्यों ना हो। वाह सर, क्या बात है, स्याही कितनी भी पक्की क्यों ना हो। लफ्जों के मायने बदले भी जा सकते हैं, थूक के चाटा भी जा सकता है, अफसर पटाया भी जा सकता है। ओहो, क्या लाइन लिखी है सर, कि थूक के चाटा भी जा सकता है, अफसर पटाया भी जा सकता है। जस्ट कंप्लीटेड सर, मेरा सस्पेंशन का केस आपके पास है, अगर आप मुझे बहाल कर दो तो ये तो आपके लिए थूक के चाटने वाली बात हो गई ना। अंदर कैसे आए आप, किसे पूछ के अंदर आया? सर सर, मैं तो आपकी कविताएं सुन के अंदर आ गया सर, मैं तो आपका फैन हूँ। बेटे बैठो ना इधर कहीं, ये चेयर घुमा लो इधर, इस घुमा लो इसको, ये नजदीक बैठो बेटा। मुझे नहीं पता था बेटे कि तुम इतने आर्ट लवर भी हो, आई नेवर न्यू कि तुम्हारा साहित्य से इतना प्रेम है। हमारे खानदान का तो लिटरेचर से बहुत गहरा संबंध है। मींस आप भुल्ले शाह की फैमिली से? नहीं सर, हम भुल्ले शाह की फैमिली से नहीं, हम भुल्ले शाह की फैमिली से हैं। दरअसल हमारे चाचा जी बहुत बड़े पब्लिशर हैं सर। बेटे सिर्फ मतलब सेहरे सिक्के छापते हैं या कविताएं भी छापते हैं? लो सर, क्या बात करते हो, कहो तो आपकी हार्ड बाउंड किताब छपवा दें। क्या मतलब है, भुल्ले शाह जी को भी मिलना ही पड़ेगा। सर मेरी सस्पेंशन जरा। हाँ हो जाएगा कुछ, तुम्हें बताया ना, मैं कुछ ऑर्डर करूंगा, मेरे पास ही केस है। सर जीजा जी को कहने की जरूरत तो नहीं। और रब का वास्ता, उनका नाम मत लो, मैं खुद ही करूंगा कुछ ना कुछ। उठो जाओ आप, खत्म हो गई कविताएं, चलो ये लो। ओ, ये इस वक्त परांठे खाने का टाइम है। हाँ जी, रात को 1:30 बजे घर आने का टाइम है, जो 2-4 घंटे और लेट आते तो नाश्ते का टाइम हो जाना था। एक तो रोटी दो और ताने मारने की आदत नहीं जाती। उस दिन भी अगर तुम भजन सिंह को ताने ना मारते ना तो टिम्मी का रिश्ता हो के रहना था। वो मेरी पगड़ी को हाथ डाले जाए उसका तो मैं फिक्र ही नहीं है। घर आए मेहमान को लॉटरी मास्टर कह के चिढ़ाते जाना, ये कौन सी अकल वाली बात है? कभी वो ब्याहेंगे अपना लड़का हमारी टिम्मी के साथ? ना तू मुझे ये बता कि जो तेरे भाई और भाभी हैं उन्हें वो लॉटरी वाली फैमिली पसंद है? आप फैमिली को छोड़ो, आप देखो कि लड़का कितना अच्छा है, कितना वेल एजुकेटेड है, IAS पास है, कल उसने DC लग जाना है। DC लगवा के मेरे पे रोब डालना चाहते हो आप? रोब नहीं, तुम्हारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। देखो तुम्हारा साला कमिश्नर, एक्साइज का सारा महकमा उसके अंडर है, और आगे उसका जवाई DC, सोचो आपकी कितनी शान होगी। है और शान हमारी वैसे ही बहुत है भाई, सोशल वर्कर होते हैं हम। मुझे कुछ नहीं पता, आप भजन सिंह के पास जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मैं माफी मांगूंगा?
ओ मैं माफी मांगूंगा, और दिन में 36 आदमियों से माफी मंगवाते हैं भाई, तो सोशल वर्कर होते हैं भाई, ओ मेरे से भी लेट आने वाला कौन हो गया भाई। अद्धी रात तक मैं पढ़दी वे तेनु चिट्ठियां लिखण दी मारी, ओए बोल कोई सुन ना लवे नी बिल मैनू वे हो बीमारी। अद्धी रात तक। सत श्री अकाल जीजा जी, आप आधी रात को कैसे आ गए अचानक? जीजा फुफड़ और बुआ किसी भी वक्त खटखटा सकते हैं। बुआ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जीजा जी, क्या बात कर रहे हैं, आपका अपना ही घर है, आइए वेलकम प्लीज। इधर आ जाओ जी, इधर आइए। जीजा जी इतनी सुंदर शक्ल और क्या हुलिया बनाया हुआ है। और छिंदी जी, एक फोक सिंगर को हिट होने के लिए पॉप सिंगर बनना ही पड़ता है, और एक पॉप सिंगर को हिट होने के लिए अच्छी भली शक्ल का हुलिया बिगाड़ना ही पड़ता है। और इस बिगड़े हुए हुलिये के साथ आधी रात को किसी के घर जाता हुआ बंदा अच्छा लगता है? और किसी का कार है? और जूती तंग और जमाई नंग सारी उम्र मती मार के रख देते हैं, भला आज तक कोई बिना काम के आधी रात को किसी के घर गया है? नहीं नहीं जी, आप तो अपने घर आए हो, मेरे मतलब आप काम बताइए। काम ये है कि आपके पड़ोस में आज बाजुओं के लड़के की शादी थी, और वहाँ हमारा ऑर्केस्ट्रा बुक था, और हम हो गए 4 घंटे लेट। जो अब गए तो जूते पड़ेंगे, 20,000 एडवांस भी लिया हुआ है। फिर क्या, 20,000 वापस कर गया और हमारे ब्याह पे माफी मांग क्या, भल्ला साहब तो आ जा नहीं सकते। पर जीजे जी, वहाँ तो सारा प्रोग्राम अब खराब हो चुका होगा ना। तू अपने जीजे की तरफ है, तीजे की तरफ है? जाओ शाबाश, माफी मांग कराओ। मैं माफी मांग के आऊं? जी, ये कहाँ माफी मांगेंगे, ये तो 36 आदमियों से खुद माफी मंगवाते हैं रोज। नहीं नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि अगर मैं वहाँ चला गया और उन्होंने बिना सोचे समझे ही मेरी टांग तोड़ दी, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। शाबाश, जो तेरी टांग टूट गई तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जो तेरे मोहल्ले में तेरे जीजे की टांग टूट गई फिर तेरी इज्जत बच जाएगी। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? जाओ शाबाश, माफी मांग के आओ। ठीक है मैं जाता हूँ, तू ऐसा कर इनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर। ये टाइम कोई चाय पानी का? जिया जी क्यों फिकर करते हैं, मैं दाल भिंडी और पनीर यूं मिनटों में बना लेना आपके लिए। ये तो हमारे ड्राइवर के लिए हो गया ना, हमारे लिए। उस्ताद जी वैसे भी आज तो इतवार है। हाँ सच, इतवार को तो हम वेजिटेरियन खाने को हाथ तक नहीं लगाते। मुझे लगता है इनके लिए मीट मुर्गे का इंतजाम भी करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी 20,000 रुपए दो, मैं जरा माफी मांगा हूँ। जूती तंग और जमाई नंग सारी उम्र मती मार के रख देते हैं। छिंदी कौर जी क्या देख रहे हो मेरी तरफ, 20,000 रुपए निकालो, आपको कह रहे हैं। मैं 20,000 इस वक्त कहाँ से निकालूं? अगर आपके पास नहीं तो आस पड़ोस से मांग लो, अगले प्रोग्राम के एडवांस से आपको वापस मोड़ देंगे। इससे मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो जीजे हैं हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत क्यों खड़ी करके रखते हैं। डालो डालो ये चावल, चावल लो थोड़ी। हाँ हाँ डालो डालो। हाय हाय, आपको क्या हो गया? उस शादी वाले घर गया था ना, वो कहते आए हो तो कुछ खा के जाओ, बाजी किसी ने निकाल ली जूती और किसी ने उठा लिया डंडा। पर ऐसा काम तो 2 मिनट में निपट जाता होता है, माफी मांगने में इतना टाइम लग गया? जीजा जी माफी मांगने को तो 2 मिनट ही लगे थे, बाकी आधा घंटा अस्पताल में पट्टियां कराने को लग गया। इन्होंने आपकी बहुत वेट की खाने के लिए, आप आए नहीं ना, आपके बगैर ही खाना शुरू कर दिया। ओहो, जूती टांग और जमाई नांग सारी उम्र मती मार के रख देते हैं, छोटी सी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, बैठकर खाना खाओ। हाँ। नहीं जी आप खाओ जी, मैं तो अस्पताल से 2 बोतलें ग्लूकोज की लगवा के आया हूँ। टिम्मी तू अभी तक यहाँ बैठी है, नीचे ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, कुत्ते को डाल दो। जिस तरह का तू डिफरेंट ब्रेकफास्ट करती है ना, फ्राइड एग के ऊपर आइसक्रीम, वो कुत्ता भी नहीं खाता। मम्मी मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तेरी फीलिंग्स को समझती हूँ, अच्छा मैं पापा से बात करूंगी। ओके, अगर पापा ने हरप्रीत के लिए मना कर दिया ना तो मुझे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तेरे पापा मान जाएंगे, पर हरप्रीत के पापा को कौन मनाएगा, उसके लिए कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। ओहो डैड, आप कब तक अपनी झूठी अकड़ के पीछे हमें टॉर्चर करते रहोगे? झूठी अकड़ कहते है तू? ओए उन्होंने हमें घर बुला के बेइज्जत किया है। बेइज्जती तो इनकी मार्केट में आम ही होती रहती है, पर इस तरह घर बुला के किसी ने पहली बार अपमान किया है। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। डैड बदला बाद में ले लेना प्लीज, पहले हमारी शादी हो लेने दो। बाद में बदला कैसे लूंगा, फिर तो तू जोरू का गुलाम बन जाएगा जिस तरह मैं बन गया हूँ। डैड डैड मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिद्धू साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं।
अच्छे, अगर इतने ही अच्छे होते तो घर माफी मांगने ना आते। क्यों जी? हम माफी मांगने आए हैं जी। आप बिना दरवाजा खटकाए अंदर कैसे आ गए? नहीं, दरअसल दरवाजा हम खटखटाना चाहते थे पर आपके दरवाजा ही नहीं है। मुझे लगता दरवाजा चोरी हो गया आपका। नहीं नहीं, हमने रिपेयर के लिए भेजा है। जब हम खटकाते थे ना तो उसमें से आवाज नहीं आती थी। अच्छा, तो फिर आप दरवाजे पर घंटी क्यों नहीं लगवाते? घंटी से मेरी वाइफ को माइक्रोस्कोप हो जाता है। डैड, माइक्रोस्कोप नहीं होता, माइग्रेन होती है। ओहो, जब सर फटता है तो क्या पता चलता है कि माइक्रोस्कोप हो रहा है कि माइग्रेन हो रहा है, बस सिर फटता है। नहीं सरदार साहब, मुझे लगता है गलती कर गए। आपको रिपेयरिंग के लिए अपना दरवाजा नहीं भेजना चाहिए था, आपको अपनी वाइफ रिपेयर के लिए भेजनी चाहिए। क्या सलाह है जी? आप माफी मांगने आए या टेक्निकल सलाह देने आए हो? नहीं, तो माफी मांगनी है जी। फिर मांगो ना। ओहो, अब ये खड़े खड़े ही माफी मांगते रहेंगे, इन्हें बैठने के लिए तो कहो। माफ करना जी, आपको बैठने के लिए तो पूछा ही नहीं। माफी ये मांगने आए? तू माफ करो बोल रही है। चलो जी, उधर बैठ के माफी मांगो। आइए आइए, यू नो एक्चुअली उस दिन सारी गलती हमारे जीजा जी की थी। चलो जी, गलती किसी के भी हो, आपने गलती मान लिया, बस बात खत्म। ये तो बहन जी रिश्ता इस तरह का है, ब्याह के बाद तो लड़की वालों को रोज ही माफी मांगनी पड़ती है। देखो जी, इन्होंने माफी मांग ली, हमने माफी दे दी। ओ बात सुन, वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, वो मुझे कौड़ी का कह रहे हैं और तू डांस कर रही है। जूती टांग और जमाई नांग सारी उम्र मती मार के रख देते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आओ जी, आओ बैठिए, बैठिए जी, आइए जी। मैं तो भूल ही गया था आप जीजा जी हैं। जी, और सुनाइए कैसे चल रहे हैं आपके स्टेज प्रोग्राम? और छिंदी कौर जी, हम कहीं गाने खड़े हो जाएं तो लाख बंदा तो वैसे ही इकट्ठा हो जाता है हमारे प्रोग्राम में। कितने निठल्ले लोग हैं। क्या कहा? मेरा मतलब कितने कदरदान हैं आपके, जो अपना टाइम निकाल के आपको सुनने आते हैं। ठीक है ठीक है, काम की बात नोट करो। कल को मोहाली क्लब के बीच हमारा प्रोग्राम है और तुझे 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा करना है सीटियां और तालियां मारने के लिए। जीजा जी, आपका तो नाम सुनते ही बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे बंदे इकट्ठे करने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, पर वहाँ कई और भी छोटे मोटे कलाकार आ रहे हैं, जैसे गुरदास मान, दलेर मेहंदी, हरभजन मान वगैरह वगैरह। पर मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव 4-5 हज़ार आदमी सिर्फ मेरे गीतों पर तालियां और सीटियां मारे। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जूती तंग और जमाई नंग सारी उम्र मती माखे रख देते हैं। और ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुझे क्या करना है। और तू सोशल वर्कर है, इतने तो तेरे लिंक होंगे भीड़ इकट्ठी करने वाले ठेकेदारों के साथ। जसपाल जी, आप मक्खन सिंह को क्यों नहीं कॉन्टेक्ट करते, वही जो जलसे और रैलियों के लिए क्राउड सप्लाई करता है। मक्खन सिंह, उसके साथ मेरे रिलेशन ठीक नहीं है। और नई रिलेशन ठीक तो ठीक करो, नहीं तो हमारे साथ खराब हो जाएगी। ला, टिमी, तेरे लिए आइसक्रीम। मैंने नहीं खानी। टिमी, मुझे एक बात बता, अब तू उदास क्यों बैठी है? अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे घर वाले मान गए हैं, एवरीथिंग हैज फॉलन इन प्लेस। मेरे कुछ अरमान थे जिन पर पानी फिर गया। तेरे माइंड में कोई और इंसान था? मैंने कितनी फिल्में देखी हैं। किसके साथ? मेरा मतलब, मैंने कितनी फिल्में देखी, कितने नॉवल पढ़े। मैं चाहती थी हमारी शादी घर से भाग कर होती। पर टिम्मी जी, हम घर से तब भागते जब हमारे घर वालों को कोई एतराज होता। जरा सोचो, मैं किसी और लड़की के साथ फेरों के लिए बैठी हूँ और दूसरे फेरे से तेरी एंट्री होती है और तू कहता है ठहरो, ए ब्याह नहीं हो सकता। पर मुझे पंजाबी बोलने की क्या जरूरत है? कुछ डायलॉग्स ना पंजाबी में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और वहां से भगा ले जाता है। फिर हमारी इश्क की खबरें सारी शहर में फैल जाती है, अखबारों में, रेडियो में, टीवी पर, सारी दुनिया में। वाह शाबाश, क्या जबरदस्त प्लान है। चल टिमी, अभी चलते हैं। चलो, कहाँ? हॉस्पिटल। क्यों? मुझे लगता है तुझे फिल्मी दौरा पड़ गया। देखो जी सरदार जी, अगर तो मारनी है सिर्फ तालियां, अब तो 200 रुपए आदमी लगेगा, अगर साथ में सीटियां भी मारनी है 50 रुपए और लगा लो। आप टोटल 200 लो ना, तालियां सीटियां सब बीच में। बात गर्म करो। देखो जी, इतना तो हमें घर में भी कॉस नहीं करता। जनाब, घर सीटियां किसको मारनी पड़ती हैं, माँ को या बीवी को? वीर जी, आप तो मजाक करते हो,
मेरा मतलब था लेबर बड़ी महंगी पड़ती है। ओ 200 रुपए पर है, ठीक है जनाब, एक बार जुबान होगी सो होगी। आप ऐसे करो, ये लो पकड़ो एडवांस पूरे 5,000 रुपए, बस हमारे जीजा जी के स्टेज पर आते ही एक बार ताड़ियों और सीटियों से बल्ले बल्ले करवा दो बस। आप फिक्र ना करो जी, हमारा रोज का काम है। कौन? एक मिनट। हेलो जी, हाँ मखण बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी महाराज, कितने आदमी चाहिए? 2,000 जी। हाँ जी पहुँच जाएंगे जी, पहुँच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, सिर्फ हाय हाय करनी है या साथ में अंडे और टमाटर भी फेंकने हैं? हाँ जी, हाँ डेट तो नोट है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप फिक्र ना करो जी, हमारा रोज का काम है। क्या करें जी, काम ही बहुत है। लो जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब आपके सामने आ रहे हैं पशु गायकी के बादशाह, जानवर मेले की शान, और जिनकी मार्केट के बीच चल रही है कैसेट, कुत्तों से बच बलिए। तो लो जी पेश है फेमस एनिमल सिंगर जसविंदर पल्ला। ये पकड़ भाई। लाइए उस्ताद जी। मेरे रब जैसे श्रोता हो, इसी महीने की 20 तारीख को मेरी पहली एल्बम बंदर सजना का रिलीज हो रही है, जिसमें से 2 बोल आपकी नजर रखने जा रहा हूं। एनु सांब पतलिए नारे, साडे मुंह ते नौंदरा मारे। एनु सांब पतलिए नारे, साडे मुंह ते नौंदरा मारे। नी बांदर सजना दा, नी बांदर सजना दा। ओ जनाब, हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, गलती होगी। जनाब आपने पल्ला साहब का सारा शो खराब करा दिया, हमारी बेइज्जती करवा दी है। ओ जनाब क्या करें, काम का रशीद ना, अकल मारी गई है। गलती से एजिटेशन पे नारेबाजी करने वाला क्राउड आपके फंक्शन पे भेजा गया। हमारे जीजा जी ने अभी गाना भी नहीं शुरू किया था, अंडे और टमाटर पड़ गए, मतलब हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। ओ जनाब अभी तो आप उनका सोचो, स्कूल बोर्ड के चेयरमैन पे अंडे टमाटर फेंकने के लिए हमको हायर किया था, वहां से सीटी और तालियां मारते हुए वापस आ रहे होंगे। ही का क्या मतलब हुआ, एक तो पैसों का नुकसान हो गया, ऊपर से बेइज्जती करवा दी। शट अप। ये क्या हुआ बहन, तू सामान लेके कैसे आ गई अचानक? शोक के बाद आपके जीजा जी ने सारा गुस्सा मेरे पर ही निकाल दिया। भल्ला साहब ने सिर्फ गुस्सा ही निकाला कि तुम्हें भी घर से निकाल दिया? मुझे भी घर से निकाल दिया। ओहो। हेलो, मिठाई खाओ, हरप्रीत और टिमी का रिश्ता पक्का। तुम्हें तो पता ही है डॉक्टरों ने मुझे मिठाई मना किया। और जब आप 4-4 आम और दूध में जलेबी डाल के खाते हैं तब आपको डॉक्टर नहीं याद आते हैं? भाई इस तरह की मिठाई खाने का क्या फायदा, जिससे मुंह ही कड़वा हो जाए। ऐसी अशुभ बातें मत करो, 23 तारीख का ठाका पक्का हुआ है, बस आप एक बढ़िया सा कुर्ता पजामा सिला लो। मेरे सामने मुल्क के और बड़े मसले हैं, फजूल की रस्मों का टाइम नहीं है। And I'm glad to inform you that you have suspended with immediate effect. Good morning, sir. ये कुल्ले शाह मेरे चाचा जी। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ? बाहर बैठो, चाचा जी को ले जाओ साथ। सर ये कुल्ले शाह पब्लिशर आपकी किताब छापेंगे ना? आपको नजर नहीं आ रहा कि पब्लिशर आए हैं? डिक्टेशन बाद में भी ली जा सकती है, बाहर बैठो। यस सर। तीन कप चाय बोल देना जाते वक्त। यस सर। साथ में बिस्कुट भी, खाली चाय से कलेजे में जरा जलन सी होती है। बैठो बैठो, आप उधर, इधर आइए आप, उधर बैठिए, इधर बैठिए। इनके बारे में आप कह रहे थे कि बड़े मशहूर पब्लिशर हैं, बहुत किताबें छापी हैं इन्होंने, पर मुझे तो ये कुछ जंतरियां छापने वाले लग रहे हैं। हमारी ज्यादा महारत तो हड़तालों के पोस्टर छापने की है। हड़तालों के पोस्टर? पिछले महीने आपके महकमे में हड़ताल हुई थी ना, यूनियन ने आपके पोस्टर छपाए थे, एसएस सिद्धू हाय हाय, वो हमारी प्रेस में छपे थे। चाचा जी आप किताबों की बात करो, पोस्टर तो इनके खिलाफ छपते रहते हैं। दरअसल हम मशहूर मशहूर कवियों की
कविताएं छापते हैं। ओहो, क्या बात कही चाचा जी, जब आप इनकी किताब छाप दोगे तो ये मशहूर तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। ये भी ठीक है। एक मुखड़ा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। या शेर को या मुखड़ा को? आई मीन एक मुखड़ा कह रहा हूँ, मुखड़ा सुना रहा हूँ आपको। फाइल कागजों को कह रही है। मंगेतराज जी आप ही सुनना, जरा सुनने वाली चीज है। हाँ जी। मैं कब से अनजान फाइलों के नीचे छुपी बैठी हूँ, मैं कब से अनजान फाइलों के नीचे छुपी बैठी हूँ, सरकारी फैसलों की तरह रुकी बैठी हूँ। क्या बात है सर, क्या शेर है, क्या बात। आप ही दादो जी ये क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आपकी सरकारी पोइट्री से मेरी प्रिंटिंग प्रेस ही ना खराब हो जाए। वो क्या बात कर रहे हो चाचा जी, हैं? ये तो इतने बड़े अफसर हैं, इनकी कविताओं से तो मशीनों की एक्साइज भी माफ हो जाती है। एक्साइज? वाह वाह, बहुत खूब, एक बार दोबारा कहो जी। हेलो जी, कवि कहता है। कौन सा कवि कहता है? मैं कहता हूँ जी। फिर अपना नाम लो ना, अगर किसी और का नाम छप गया तो मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहता हूँ, कई सालों से अनजान फाइलों के नीचे मैं छुपी बैठी हूँ। किस चूहिया की बात कर रहे हो? चूही की बात नहीं कर रहा जी मैं, अच्छी तरह सुनो। कई सालों से अनजान फाइलों के नीचे छुपी बैठी हूँ। सर इन्हीं फाइलों के बीच मेरी भी फाइल शायद हो, मुझे बहाल कर दो जल्दी प्लीज। आई एम ट्राइंग फॉर दैट, मैंने आपका केस नीचे से मंगवाया है, होपफुली आपकी बहाली हो जाएगी। सर जीजा जी को कहने की जरूरत तो नहीं, वो अपने आदमी है। नो नो, अब आपने अगले हफ्ते तो घुल्ले शाह जी को लेके आना ही है, फिर अब तो हमारी साहित्यिक मित्रता हो गई है। जीजा जी, टिम्मी की शादी के कार्ड लाल रंग के छपाए या हरे रंग के? भाई कार्ड छपवाने या रेलवे की झंडियां, ओ मुझे क्या जी, जैसे मर्जी छुपा लो। कैसी बातें करते हो जीजा जी, आपकी रजामंदी के बगैर टिम्मी की शादी हो सकती है? ले, जो रिश्ता आपने पक्का किया है वो मुझसे पूछ के किया? जिस दिन लड़के वाले आए थे कितनी इज्जत के साथ आपको बीच में बिठाया था, पर आप लड़के के बाप से ही लड़ पड़े। चलो जी सारा कसूर मेरा है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, पर एक बात पक्की है, अगर टिम्मी का ब्याह उस लॉटरी मास्टर के मुंडे के साथ किया तो मैंने ब्याह अटेंड नहीं करना। नए जवाई का तो अभी पता नहीं, उसके पीछे हमने पुराने जवाई को थोड़ा नाराज कर लेना है। छिंदी पुत्र तू फिक्र मत कर, तेरी खुशी का हमें पूरा ख्याल है। टिमी का रिश्ता बस कैंसिल ही समझो आप। अब हम भजन सिंह को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम भजन सिंह को ही अपना मुंह दिखाओ, मेरा क्या है जी, मैं तो वैसे ही आप लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता। हाय हाय बेचारी टिम्मी, उसका तो दिल टूट जाएगा। टिमी बच्ची है, उसे मैं खुद समझा लूंगा, उसे लड़कों की कमी है, लड़के जितने कहे। बस करो, एक ही लड़का चाहिए होता है। ये लड़के वालों ने जो टिम्मी को रिंग डाली है वो कैसे वापस करनी है? बाय पोस्ट वापस करो जी, इतना बड़ा अफसर अगर आप वहाँ चला गया लोगों ने कहना पता नहीं लॉटरी डालने आ गया। नहीं पुत्र जी ऐसा मत करो, उनका शगुन और अंगूठी खुद जाके इज्जत से वापस करके आओ। वो इज्जत वाले काम आप मुझ पे छोड़ो ना। हाँ कोई बेइज्जती वाला काम होता तो मुझसे करवाते ना। हेलो भाई। हेलो लॉटरी मास्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ भाई मुझे बात तो करने दो। आप कौन? मैं सोशल वर्कर जसपाल भट्टी बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। भाई सत श्री अकाल तो ठीक है, जो आपने हमारी टिम्मी को डायमंड की रिंग डाली है ना वो जरा वापस मंगवा लो। क्या बात, डायमंड पसंद नहीं आया? नहीं डायमंड तो पसंद है, पर आपका मुंडा पसंद नहीं आएगा। लड़का किसे पसंद नहीं आया? आपको? मुझे तो पसंद है, पब्लिक को पसंद नहीं है, और पब्लिक डिमांड पे ये रिश्ता कैंसिल है। देखो भाई साहब एक मिनट बात सुनो, वो मेरी सिद्धू साहब से बात करवाओ। हाँ जी आप अपनी तसल्ली के लिए सिद्धू साहब से भी बात कर लो, ये लो जी। मैं हाँ जी भजन सिंह जी। हाँ जी बस ये समझ लो जी कि मेरी भी कोई मजबूरी है जी। मजबूरी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा बिल्कुल। बस भजन सिंह जी आप ये समझो कि रिश्ता नहीं हो सकता, बस बात को खत्म समझो जी। सत श्री अकाल जी। लो जीजा जी अब तो खुश हैं आप? मैं तो पहले खुश हूँ, आप खुश हो ना? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है पुत्र जी। चलो इस खुशी के मौके पे मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया सिद्धू साहब, वो आपने सिंगला पेपर मिल वालों के रेड मारी थी, 5 लाख रुपए का फाइन कर दिया था, वो अपने मित्र हैं, अगर वो फाइन माफ हो जाता तो। बस किया करो भट्टी साहब, बस किया करो, ये दफ्तर की बात है, दफ्तर में किया करो जीजा जी। हाँ हम तो बहन देकर पछताए।
हेलो माय डार्लिंग, बस तेरी याद में आहे भरता हूँ, सुबह शाम स्विमिंग करता हूँ। और बोलो कैसे याद किया? तुम कहाँ पर हो इस वक्त? मैं पूल में पानी पानी हो रहा हूँ। तुम्हें एक खुशखबरी बताऊँ? हाँ बोलो। हमारे घर वालों ने हमारा रस्मी रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे घर वालों ने दादा और जीजा जी के कहने पर तुम्हें ना कर दी है। इमी, ये क्या मजाक है? ओ, ये मजाक नहीं, हकीकत है। हारी, आज हमें बगावत करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तू ऐसा कर आज मुझे घर से भगा के ले जा। इमी देख, इस वक्त मेरी एड़ियों में दर्द हो रहा है, अब भागने वाला सिलसिला 2-3 दिन बाद नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से सुन ले, 11 बजे मैं पिछली खिड़की से निकलकर दीवार से कूदूंगी और तू कार लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? इमी देख, डैड से बात कर लेते हैं, क्या पता सारा पंगा वैसे ही सॉल्व हो जाए। ये हमारे मोहब्बत का इम्तिहान है। एक तो मैं इम्तिहान दे दे के पागल हो गया हूँ, पहले MBBS के इम्तिहान दिए, फिर IAS के, अब मोहब्बत के। हाय रब्बा। मैं घर से भाग रहा हूँ। वेरी गुड, मैं भी घर से भाग रही हूँ, ले पकड़ मेरा बैग। पर मैं आपके साथ नहीं भाग सकता, मैंने तो फूलमती के साथ स्कीम बनाई है। ओफो, मेरा मतलब है बाहर तक तो साथ जा सकते हैं ना। चल पकड़, धीरे ना, शोर मत करना। हेलो हैरी, तू कहाँ है? मैं सड़क पर खड़ी हूँ। ओह, मेरी गाड़ी मंदिर के सामने पंक्चर हो गई है, मैं 15 मिनट के अंदर अंदर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। हैरी, सड़क पर खड़े रहना बहुत खतरनाक है, अगर घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, दोबारा घर के अंदर चली जा, आधे घंटे बाद बाहर आ जाना। नहीं 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 नहीं, तू मंदिर के पास ही ठहर, मैं वहां पहुंचती हूं, ठीक है? पर हम जाएंगे कैसे? अपने डैडी की गाड़ी मांग लो। शट अप। ऑटो आ गया, ऑटो। ओए रुक रुक रुक, ऑटो भाई साहब रोको। लो जी, ये लो जी। तेरा मीटर चलता है? हाँ जी मीटर, और जी शुक्र करो ऑटो चलता है। चल फिर जल्दी से बैठ। एक मिनट, जाना कहाँ है? हमें मंदिर जाना है। अच्छा, मंदिर जाना है? हाँ। भाग के शादी करवाने जा रहे हो? कमाल है, तुम्हें कैसे पता? हमें क्या नहीं पता जी, उस मंदिर में बहुत से जोड़े भाग के शादी करवाते हैं, मेरी शादी भी भाग कर हुई थी उसी मंदिर में। अच्छा, तो बातें करता रहेगा या बिठाएगा भी? हाँ जी हाँ जी, बैठो 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 जी बैठो। आ जाओ जी आ जाओ। एक मिनट, वैसे मैडम पूछना तो नहीं चाहिए, ये नमूना कौन है? अब मेरा मतलब है भाई साहब कौन है? अजी इनके नौकर हैं जी। ये नौकर? हाँ। आप एक नौकर से शादी करवाने वाली? क्या कहा? अब मेरा मतलब है जी, ब्याह के बाद तो सब नौकरी बन जाते हैं ना, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चलो मंदिर चलते हैं जी, आओ। मैंने कहा जी जल्दी उठो, टिम्मी घर से भाग गई है। मैडम आप ये को नोट करवा दो, फाइल फॉरवर्ड करवा देंगे, कुछ पता चलेगा तो लेटर डाल देंगे आपको। मैंने कहा उठो, टिम्मी घर से भाग गई है, किसी के साथ भाग गई है। क्या बात कर रही हो तुम, हैं? घर से कैसे भाग सकती है वो? तुम अच्छी तरह सारे कमरे चेक करो, मैं लॉन में चेक करता हूँ, कहीं कुत्ते को कंघी ना कर रही हो, बड़े कुत्ते कुत्ते काम करती है ये लड़की। ए टिम्मी। हाय रब्बा, ये बाप भी डिफरेंट है। मैंने कहा सुनो, राम राम बाबूजी। राम राम, राम राम। ए बाबूजी, तुमने हमको पहचाना नहीं? ओ मारे गए, सिद्धू साहब की नौकरानी मारे गए, मारे गए। अगर इसे मेरे और टिम्मी के बारे में पता लग गया, कहीं प्रॉब्लम ही ना खड़ी हो जाए, ये ना हो भागने से पहले फंस जाए। क्या करूं क्या करूं, हाँ टिम्मी को फोन करता हूँ। हेलो, एक तो इस सेलफोन की बैटरी भी अभी डेड होनी थी, अपना बैटरी है तुम्हारे पास? कहाँ कहा थो? ई साहेब, तुम कुछ परेशान से लगत रहे। हाँ। देखो मौसम कितना बढ़िया है। हाँ। तारा एक भी नजर नहीं आ रहा है। कितना अच्छा मौसम है। मैं ऐसे करता हूँ कि आ मेरी गाड़ी में बैठ, मैं स्टेशन से तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, तू वहाँ पर आइसक्रीम खाना, मैं आधे घंटे बाद दोबारा तेरे को आके ले जाऊंगा। बाबू जी
हम यहाँ से कहीं नहीं जात रही, हम यहाँ उसका इंतजार करत रही। हाँ समझती क्यों नहीं, यहाँ पे पूरा प्लान बनाया, सारा प्लान चौपट कर देगी तू। मेरे साथ चल, 15 मिनटों की बात है, 15 मिनट के बाद दोबारा मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा, चल मेरे साथ। नहीं 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 छोड़ो, क्यों नहीं, एक फूल मती मेरी बात को समझ, तू मेरे साथ चल चल। हम तो हार संग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम उसका इंतजार करत रही। वो भी आधी रात को कुछ नहीं साहब आदर, दरअसल हम वैसे ही खड़े थे ये तारों की ठंडी ठंडी छाओं के नीचे। ठंडी ठंडी छाओं के नीचे, ये औरत कौन है? ये जो बर्तन साफ करने वाली है। बर्तन साफ करने वाली, तू यहाँ क्या कर रही है? हम यहाँ हमार बॉयफ्रेंड का इंतजार करत रही, और ई बाबू हमका अपनी गाड़ी में जबरदस्ती लिए जात रहा। चलो थाने, वहाँ बताता हूँ तुम्हें, चलो चलो। बस चलो, फंस गए ना। हेलो, फोन बज रहा है, फोन। ओफो तो उठा लो ना। ओहो, 1 बजे कोई फोन करने का टाइम है रात को? ओहो, जो बात आप मुझे समझा रहे हो उस आदमी को समझाओ ना जो फोन कर रहा है। तू ऐसे कर, फोन उठा के कह दे कि साहब सोए हुए हैं। कौन से साहब? मैं ही साहब हूँ, और कौन? हो ये बात तो तुम भी समझा सकते हो ना। मैं तो सोया हुआ हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? अच्छा फोन पकड़ाओ फिर। ओहो ये लो। हाँ हेलो। मैं रानी बोल रही हूँ, अब टिम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या आपके घर तो नहीं आई? रानी रात का 1 बज रहा है, यहाँ कहाँ आ सकती है, तुम घर में दोबारा ढूंढो। घर मैंने सारा देख लिया है, कहीं नहीं है। अब हम कार लेकर आसपास देखने जा रहे हैं। अच्छा तुम लोग फिक्र मत करो, हम भी ढूंढते हैं उसे। ठीक है। क्या हुआ? टिम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तू फिर जाके पुलिस स्टेशन वगैरह पता करना। तुम जाओ ना, सोशल वर्कर तुम हो ना। हाँ रुको 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 रुको, हाँ मंदिर आ गया। आ गया जी? हाँ जी, वो रहा मंदिर। हैरी, हैरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? हैरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको हैरी की पड़ी है जी, मुझे फूलमती की फिक्र है, वो पता नहीं दिखाई नहीं दे रही, यही का टाइम दिया था। ओ महाराज मेरे को पैसों का फिक्र है, ऐसे लाओ 50 रुपए हो गए। हाँ हाँ देती हूँ, पता नहीं कहाँ गया, यही तो कहा था। अब भाई साहब कार के रेडिएटर में पानी है? क्यों क्या बात है? जरा एक पैक लगाना था। यार तुम्हें पैग लगाने की पड़ी है, हम पहले ही पानी पानी हो गए हैं। चलो जी आओ। भाई ऑटो ठीक है? क्यों आप मैकेनिक हो क्या? नहीं यार, मैं तो चुगलखोर अखबार का एडिटर हूँ। सुबह से खबर कोई मिली नहीं, पर खजलखोरी पूरी है। पहले मैं बस में बैठा, बस खराब हो गई, फिर किसी से मोपेड मांगा, मोपेड खराब हो गई। ओ भाई साहब आपने जाना कहाँ है? ये बर्तनों वाली गली के बाहर जाना है, जरा जल्दी कर यार। अच्छा, जाके अखबार में छापनी है यार। चलो ला दो इसको। रात को आवारागर्दी करते हो? करते हो कि नहीं? मेरी कार का पहिया खराब हो गया था, मैं पहिया बदल रहा था, वहाँ मुझे ये मिल गई। भागने की तैयारी नहीं कर रहे थे सर, आप समझते क्यों नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी टिम्मी को ढूंढने आए हो? टिम्मी को आज कैसे? ये टिम्मी कौन है? ये नाम पहले भी मैंने कभी सुना है, सुना है कि नहीं? सर वो अपने सिद्धू साहब ना, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर। हाँ हाँ, जिनकी वजह से आपके शहर में थोड़ी बहुत इज्जत है। मेरी इज्जत तो इसलिए है कि मैं आप एक सोशल वर्कर हूँ। तुम काम की बात करो। सर सिद्धू साहब की बेटी घर से भाग गई है अपने नौकर के साथ। ये कैसे हो सकता है, उसने तो मेरे साथ भागना था। मेरा मतलब कहने का, जब भी भागती मेरे साथ भागती, नौकर के साथ कैसे भागी वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आया है कि नहीं? जनाब आपको कुछ समझ आ रही होती तो शहर में कानून की हालत इतनी खराब ना होती। तुम मुझे पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो सिर्फ इतना ही पता करने आया था कि सिद्धू साहब की बेटी के बारे में आपको कोई इतला है। हमें उनके बारे में कोई इतला नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? जी ये तो फूलमती है, सिद्धू साहब के घर काम करती है, और ये किसी लॉटरी वाले का पढ़ा लिखा मुंडा है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन दोनों की गारंटी लेते हो? मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है जी, पता नहीं आधी रात को कौन सा कुकर्म करने निकले। तुम इन दोनों की गारंटी नहीं लेते? चलो बेटा एंजॉय करो। थैंक यू सर। कमाल है जी,
मैंने इनकी कोई गारंटी नहीं ली, आपने फिर भी इन्हें छोड़ दिया। जब तुम इन दोनों की गारंटी नहीं लेते ना, इसका मतलब ये जरूर शरीफ आदमी होंगे, है कि नहीं? अच्छा बता तेरे पैसे कितने हुए? नहीं बाबूजी, पैसे को मारो गोली, बस आप मेरा एक काम करो, आप अपने अखबार के पहले पन्ने पे ना मेरी बढ़िया सी फोटो लगा दो बस। आप फोटो लगवा दूं ना? तू गोल्ड मेडलिस्ट है? यार सारे रास्ते तूने जमाने भर की बातें सुना दी हैं, हैं? असली बात नहीं बताई, वो जो जोड़ी तू वहां छोड़कर आया है, हैं? वो कौन थी? बड़ी अनोखी जोड़ी थी वो जोड़ी? ओ बाबूजी मैं बताता हूँ आपको, अच्छे भले घर की लड़की है, अपने नौकर के साथ भागकर ब्याह करवा रही है। ओ तेरी तो, तूने ये बात वहाँ क्यों नहीं बताई यार? क्यों, क्या आपके मामे की बेटी लगती है वो? ओ नहीं यार। फिर आपको काहे का दुख है भला? ओ मुझे दुख नहीं, मुझे तो खुशी है, मैं अखबार का एडिटर हूँ, अखबार के लिए इससे बढ़िया क्या खबर हो सकती है यार। अब मंगत राम जी बड़ी अजीब खबर है, अपने सिद्धू साहब की लड़की घर के नौकर के साथ भाग गई। हाँ मैंने भी पढ़ी है वो न्यूज, फोन करके पता तो करो। यार फोन पर ऐसी बातें करते अच्छे लगेंगे? ओ, कोई नहीं, आपने तो हौसला ही देना है, आप कहना सिद्धू साहब जमाना बदल गया है, लड़कियां भागती रहती हैं। आप खुद तो सस्पेंड हुए, मुझे भी करवाओगे? लो हिम्मत नहीं पड़ती तो रहने दो फिर। हैरी ने तो हमारी नाक कटवा के रख दी, एक नौकरानी को भगाता पकड़ा गया। मुझे तो इस खबर में कुछ गड़बड़ लगती है, आप पुलिस स्टेशन जाके पता तो करो। अब पुलिस स्टेशन किस मुंह से जाऊं, वहां तो और बदनामी होगी। बदनामी तो जो भी होनी थी हो गई, पर आप लड़के को ढूंढने की कोशिश तो करो, अगर आप रिश्ते में अड़चन ना डालते तो टिमी ने कभी घर से नहीं भागना था। देखो जी जो भी है, टिमी को एटलीस्ट नौकर के साथ नहीं भागना चाहिए था, लोगों ने मुझ पे ताने कसने हैं, आपको तो कुछ नहीं कहना ना, उन्होंने मुझे कहना लो जी कैसी फैमिली का जमाई है। ओफो जीजा जी, अखबार में खबर गलत छपी हुई है, नौकर फूलमती को लेकर भागा है, दोनों खबरें मिक्स हो गई है, क्यों नहीं समझते? कोई बात नहीं, एडिटर से माफी मंगवा लेते हैं, उन्हें कहते हैं जरा सवार के लिखो भाई कौन किसके साथ भागा है। नहीं नहीं बेटी की फोटो दो अखबार में, मैं तो कहता हूँ जीजा जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, सारे न्यूज चैनल बुलाओ, पता चले सिद्धू साहब की बेटी घर से भागी है। क्या बात करते हैं आप। और तुसी हौसला रखो सिद्धू साहब, ये सोशल वर्कर आज तुम्हारे काम ना आया तो कब आएगा? ये अखबार पकड़ाओ मुझे जरा, चुगलखोर इनके एडिटर से बात करते हैं, ऐसी कौन सी बात है। हाँ जी। हाँ जी, चुगलखोर अखबार। दसो जरा एडिटर साहब से बात करवाओगे? एडिटर साहब तो मीटिंग में बिजी हैं। जी आप कौन? मैं जसपाल भट्टी बोल रहा हूँ, IAS SS सिद्धू का सीनियर जीजा। अच्छा अच्छा सिद्धू साहब, जिनकी लड़की नौकर के साथ भाग गई है। भाई वो तो आपने खबर गलत छापी है, नौकर तो बेचारा शरीफ आदमी है, वो तो किसी बर्तन मांजने वाली के साथ ब्याह करवाने गया, ये तो किसी लॉटरी वाले का लड़का है हरप्रीत, वो हमारी टिमी को भगा के लेके गया। यार आप अपने एडिटर से बात करवाओ ना। सर आप एक मिनट होल्ड करो जी, मैं भी बात करवाता हूँ। हेलो एडिटर स्पीकिंग। आपने खबरी कल छाप दी, आपने ये कैसे लिख दिया कि सिद्धू साहब की बेटी नौकर के साथ भागी है? हम माफी चाहते हैं, हम कल दोबारा ये खबर छाप रहे हैं। एक तो आपने अपनी अखबार का नाम चुगलखोर रखा हुआ, ऊपर से खबरें बिना वेरीफाई किए छाप देते हो। देखो हमें सारी खबर पता लग चुकी है, और ये भी सच्चाई हम जानते हैं कि लड़की के माँ बाप तो रिश्ते के लिए राजी थे, पर उनका एक जीजा है अड़ियल किस्म का, उसके डाले हुए पंगों की वजह से ही ये सारी मुसीबत आई है। भाई इस केस में जीजे का कोई कसूर नहीं है, यूं ही आप जीजे पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं इस पॉइंट पे तो अखबार वाले मुझे ठीक लग रहे हैं। ओ जनाब लस्सी साहब, मेरा मतलब भट्टी साहब, हमने आपके नौकर के बयान रिकॉर्ड किए हुए हैं, हमें सारी सच्चाई पता है, आप कल चुगलखोर अखबार के पहले पन्ने पर खुद ही पढ़ लेना। हाँ। बड़ा एक कुत्ता एडिटर। ये फिजूल की बातें छोड़ो जीजा जी, ये सोचो टिम्मी को कैसे ढूंढना है हमने। टिम्मी को आप ढूंढो ना, मुझे तो नौकर का फिक्र है, वो साला मेरे खिलाफ ही बयान दिया जा रहा है। कुछ नहीं हो सकता। एक बस की मरुति से टक्कर, थैंक गॉड। टिम्मी आज डेली चुगलखोर अखबार वालों ने माफी भी मांग ली है और स्पष्टीकरण भी छापा है। ओह थैंक गॉड, इज्जत रह गई, नहीं तो मेरे तो फ्रेंड्स ये सोचना था कि शायद अपने नौकर के साथ भाग गई हूँ। मेरा नाम तो एक बर्तन मांजने वाले के साथ जोड़ दिया था। वैसे थी तो वो भी बहुत सुंदर। ये तो ठीक है,
किसी किसी एंगल से बिपाशा बासु लगती थी वो। तू कौन से एंगल से दिख रहा था? वो ऐसे गुस्सा मत कर, मैं तो तुझे देख रहा था, वो तो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। तू जरूर शीशे में से देख रहा होगा, नहीं तो तुझे कैसे पता कि वो बिपाशा बासु लग रही थी? ओ बाबा तू छोड़ गुस्से को, मैंने तो बिपाशा बासु की फिल्म तक नहीं देखी, तू पूरी खबर तो सुन। अच्छा फिर घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? इमी ये तो मुझे पता नहीं, पर लिखा है कि सारे फसाद की जड़ सिद्धू का जीजा है जिसने रिश्ते को ना कर दी और इसी कारण लड़का लड़की घर से दौड़ गए। फिर तो मुझे डैड की जीजा जी को थैंक्स कहना चाहिए। बनता तो है। वेटर फोन लाओ जरा। मोबाइल से कर लो। मोबाइल कमरे में चार्ज हो रहा है। ये खबर छपने से आपकी पब्लिक इमेज डाउन आ गई है। उत्तर जी नौकर ने यूं ही मेरा नाम लगा दिया है, लड़का लड़की अपनी मर्जी से भागे हैं। हम आपको कम्युनिटी मैरिज में ले जाने आए थे जहाँ गरीब लड़कियों का ब्याह बिना दहेज का हो रहा है। अच्छा वेरी गुड, चलो चलते हैं फिर। कहाँ चलते हैं? आपकी खबर तो रिश्ता तुड़वाने वाली छपी थी, इसलिए आप हफ्ते तक ना ही जाओ तो अच्छा है। यार कुमार, हेलो सोशल वर्कर जसपाल भट्टी। सत श्री अकाल अंकल, मैं टिमी बोल रही हूँ। टिमी तू कहाँ है, ठीक तो है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको थैंक्स कहना था, अगर आप हमारे रिश्ते में टांग ना अड़ाते तो हमारा घर से भागने का सपना अधूरा रह जाना था। ओहो मैंने कब टांग अड़ाई है रिश्ते के बीच में? मैंने कब कहा था भागने के लिए? इसका मतलब घर से भागने के लिए आपने कहा था? नहीं नहीं, ये तो यूं ही गलत खबर छप गई थी। अरे आपकी रेपुटेशन ही बहुत खराब है। आओ जी हम चलें, इनको लीडर रखना ही बेकार है। आओ ओ, एक मिनट ठहरो तो सही। हाँ अगर आप मान जाते तो हमारा सीधा साधा ब्याह हो जाना था। आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट। नहीं तेरा डिफरेंट तो ठीक है भाई, यहाँ भी सब कुछ डिफरेंट हुआ जा रहा ना। तू ऐसे कर घर वापस आ जा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ओहो गए नहीं, टिमी अभी होटल में ही होगी। वंडरफुल जीजा जी, कमाल कर दिया, एक फोन कॉल से अंदाजा लगा लिया कि कौन से होटल से फोन आया था। तुम टिमी को ज्यादा झिड़कना मत, उसे कह देना कि उसका ब्याह हम शान और शौकत से करेंगे। क्यों शौकत से करेंगे? हरप्रीत से करेंगे जहाँ वो चाहती है। शौकत का मतलब है ठाट, पूरे ठाट से करेंगे। और टिमी को ये बता देना कि जीजा जी रिश्ते के लिए मान गए। मैं तो पहले ही माना हुआ था, आपने कह कह के मुझे बदनाम किया हुआ है, मेरी पब्लिक इमेज खराब की हुई है। जीजा जी जीजा जी, मुझे पता आपकी कोई बच्चों से दुश्मनी थोड़ी है, आप तो उस लॉटरी मास्टर से नाराज थे, जरा आप मान गए हो, उन्हें हम अपने आप मना लेंगे। दलेर सिंह मेरी सीट पे कपड़ा मार भाई आके जरा। हाँ इनकी सीट पे कपड़ा मार दे और मेरी सीट पे मिट्टी फेंक दे। माइंड कर गए जीजा जी, भाई दोनों गंदी रहने दो। चलो जीजा जी, खानदान की इज्जत पे चाहे मिट्टी पड़ जाए उसका कोई फिक्र नहीं है, सीटों पे मिट्टी नहीं पड़ी होनी चाहिए। जाओ जल्दी जाओ जाओ। ये देखो। ओहो बैठने तो दे, टांग तोड़ेगा। निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो। भाई निकल रहे हैं। सुना नहीं देता? पहचाना नहीं भी मैंने। जनाब एक रिक्वेस्ट है जी आपसे, हमारे सरदार जी आपको बुला रहे हैं लूटने के लिए। नहीं टाइम है बेटा, हम तो खुद भागे फिर रहे हैं, हमें इतनी इमरजेंसी से तुम कमाल कर रहे हो यार। सर रुक जाइए, रिक्वेस्ट है जी, सुबह से कोई नहीं रुका। भाई गॉड भाई, इतने बड़े अफसर हैं, इन्होंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। बस यार नहीं टाइम है, नहीं है। ओए तुम चलते हो कि नहीं सीधी तरह, या मार दे गोली। भाई ऐसे डाकों की तरह कहो ना। हां क्यों नहीं चलेंगे बेटा, बताओ किधर जाना है। चलो चलो चलो, नो प्रॉब्लम। चलो कैसे रास्ते यार, कमाल की बात है वैसे। ओ चलो यार चलो, ओ चलो चलो। अभी और कितना चलना है हमने? क्यों आपने टीएडीए क्लेम करना? मेरे कहने का मतलब थ्रू पैदल ही चलना पड़ेगा हमें। और क्या आपके लिए बग्गी मंगवाएं? चलो। What the hell are you doing, be a manner यार। लगता है मोटी सामिया है। Myself जसपाल भट्टी, सोशल वर्कर। हम भी सोशल वर्कर होते हैं, अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांटते हैं। सिद्धू साहब बड़े अमीर आदमी है और मैं इनका गरीब सा जीजा, एक कार्रवाई शुरू करो। लगता है इन्हें हमारा नाम नहीं पता। क्या बात कर रहे हो डाकू साहब, आपके यहाँ कोई नेम प्लेट लगी है जो हमें आपका नाम पता होगा? कोई बात नहीं, आपके पास विजिटिंग कार्ड है अपना? विजिटिंग कार्ड? आपने इनकी फ्रेंचाइज लेनी है? क्या बात कर रहे हो भट्टी साहब, अब कैसे पता चलेगा ये कितने खतरनाक डाकू है? कमाल की बात है डाकू साहब, बड़े इरेस्पॉन्सिबल डाकू हो आप, अपने साथी की टांग में गोली मार दी, आपको पता है आपकी सीआर खराब हो सकती है। अगर मैं अपने साथी की टांग में गोली मार सकता हूँ तो तेरे सिर में भी गोली मार सकता हूँ। ओह हमें माफ कर दो दिलावर जी, हम तो पहले बड़े दुखी हैं जी। ओए ले जाओ इन दोनों को अंदर बांध दो, 20-20 लाख रुपए लेकर छोड़ेंगे।
ऊपर डाकू जी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ओए, हंसने वाली बात तो हमारे लिए है सोनिया, तुम्हारे लिए तो रोने वाली बात है। हेलो, कौन बोल रहा है? पैरी पैना जी। सरदार, आपके जीजा जी का फोन है। जीजा जी, पैरी पैना जीजा जी। नहीं नहीं जीजा जी, घोड़ी खराब हो गई थी, अभी अभी जीप लूटी है, बस पहुंच रहे हैं। ना ना जीजा जी, एक मत काटना, बस 5 मिनट इंतजार कर लो, हम पहुंच रहे हैं। चलो चलें। क्या हुआ सरदार? भांजे का जन्मदिन था, भूल ही गए। तो इनका क्या करेंगे? और इन्हें फिर कभी पकड़ लेंगे। अगर जीजा नाराज हो गया तो घर में क्लेश पड़ जाएगा। सरदार, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपका जीजा एक छोटा सा जेब कतरा और आप एक इतने बड़े डाकू, फिर भी उससे डरते हो? अरे डरना पड़ता है, रिश्ता ही ऐसा है। वो आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर जीजा के सामने तो झुकना ही पड़ता है। ओए कुछ कर दिया दिलावरा, और गले लग जा आज। भागो यहाँ से, चलो चलो चलो। हमने क्या भागना डाकू जी, हमारी तो पहले लड़की भाग गई है। इम्मी, बेटे तू बिना बताए घर से भाग के आ गई। और इन्होंने बता के भागना था कि भागने लगे? बेटा देख, तुम्हें पता तुम्हारी शादी का गेंस नहीं हूँ मैं, सिर्फ जीजा जी की तरफ से थोड़ा पंगा था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, मान गए वो। अपना सिद्धू साहब, आई मीन डैड, हम माफी चाहते हैं कि हमारे कारण आपकी अखबारों में काफी बदनामी हुई है। नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, आगे कौन सी रोज इनकी प्रशंसा हो रही है अखबारों में। बेटा तुम बस घर चलो, बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे हम। हमारा तो घर से भागकर शादी करने का सपना ही अधूरा रह गया। शट अप, कम से कम आज की में घर से भागने का सपना तो तेरा पूरा हो गया ना। हाँ। देख अब हमारी सारे रिश्तेदारों में शादी होगी। हाँ। कितना अच्छा लगेगा। बात तो ये भी ठीक है। बेटे आप तो आपस में क्या सलाह किए जा रहे हो? ये मेरे ख्याल अपने ब्याह की तारीख पक्की कर रहे हैं। ब्याह की तारीख तो डिसाइडेड है बेटे, 18 मार्च। 18 को खाली हो ना? बेटा फोन बाद में करना, पहले तू ऐसा कर, बाजार चला जा और 20 रुपए के लड्डू ले आ। ओ 20 रुपए के लड्डू? आपने तोड़ के चींटियों को डालने? ओ भाई तू लड्डू चाहे 200 के ला चाहे 400 के, पर जल्दी ले आ, जा मेरा बेटा। शाहजी 200 रुपए के लड्डू मिल जाएंगे? पढ़ने क्या है, तो कुत्ते को डालने, ये कोई सवाल है? फिर बस से ले जाओ, फ्रेश क्या करने हैं, सस्ते पड़ेंगे। ओ कुत्ते को लड्डू कौन डालता, मैं तो मजाक कर रहा था। अपने कमिश्नर साहब है सिद्धू साहब, उनके घर जाते हैं कुत्ते के लिए लड्डू, उनका बड़ा ही शौकीन है कुत्ता, उसने तो हमारे लड्डू खा खा के अपने दांत खराब कर लिए। ये लड्डू भी सिद्धू साहब के घर ही जाने हैं? अरे पहले तो उनका नौकर आता था लड्डू लेने। मैं उनका जीजा हूँ। जीजा हो के नौकर वाले काम, बात तो ठीक है। तुम ऐसा करो, वो कुत्ते वाले लड्डू ही पैक कर दो। हमें क्या है भाई, देखना बंदे ना बीमार कर देना। ओ हो जान बीमार, हमने तो बदला लेना। अच्छा मैं भी सिद्धू साहब को बता ही देता हूँ। अमरीका तो आईया ने लाला टाकियां, फटिया चीना अमरीका तो आईया ने लाला टाकियां, लता मसा लुकाइया ने। काला डोरिया कुंडे में फस आई होए, जीजा बिना बात के रहंदा इरस आई होए। काला डोरिया कुंडे में फस आई होए, जीजा बिना बात के रहंदा इरस आई होए। दीदी को करे इशारे, दीदी को करे इशारे।
ना शावा लड्डू खायो ना बदहस में और बेकार लड्डू खायो ना शावा लड्डू खायो ना जिसे देख के चढ़े बुखार लड्डू खायो ना शावा लड्डू खायो ना जीजा साडा गोंड तो पी के खल पीले मुंह मारे जीजा साडा गोंड तो पी के खल पीले मुंह मारे अब उड़े सारे यार हैं उसके एक से एक न्यारे लड्डू खायो ना जीजा साडा कार ले आया चोटा जीजा साडा कार ले आया चोटा तेल का खर्च बचाने के लिए आगे घोड़ा जोता लड्डू खायो ना मुबारक सर मुबारक बहुत बहुत मुबारक जी पर किस चीज की सर आपकी किताब मार्केट में जलील कर दी है क्या बात कर रहे हो मेरा मतलब रिलीज कर दिया ये नहीं उसकी कॉपी यार वो पहले दिखा तो लेते मुझे सारी सर मैंने सोचा आपको सरप्राइज देंगे टाइटल भी कितना कमाल का है पावर ऑफ जीजा पीएम रूठे चाहे सीएम रूठे पर रूठे किसी का ना जीजा ये कविता तो मैंने आपको वैसे सुनाई थी कहीं इसमें तो नहीं डाल दी सर इसके बिना तो किताब छप ही नहीं सकती थी ऐसे तो मैंने वो भी सुनाई थी वैसे बैठे बैठे जीजा मेरा बम पटाका सर ये भी छपी है शुक्र है कहीं मैं आपको वो कविता नहीं सुना बैठा कि अफसरी मेरी धरी रह गई जब जीजे आंख मिलाई सर ये भी आपने सुनाई थी तीसरी कविता यही है किताब में मतलब ये भी छप गई इमीडिएटली सारी किताब मार्केट से वापस मंगवाओ ये किताब मेरे जीजे के हाथ नहीं लगनी चाहिए वरना सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा सर किताब तो सुपर हिट है आपको तो खुश होना चाहिए मेरी बेटी की शादी है मेरे जीजे ने ये किताब पढ़ ली शादी का बेड़ा गर्क कर देगा सारा वो ये जो आपका मंगत राय है ना अभी सिर्फ सिर्फ सस्पेंड किया है मैंने अगर ये किताब आपने मार्केट से वापस ना मंगवाई टर्मिनेट कर दूंगा मैं उसे टर्मिनेट समझे टर्मिनेट जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी बाहर घंटी बजी है ओ तुमको सुनाई दे रही है तो खोल दो दरवाजा ओ, आप खोल लो ना मैं काम कर रही हूँ हाँ मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ सिद्धू साहब की पाजी सस्रीकाल सस्रीकाल चिंदी हाउ आर यू मैं ठीक हूँ सस्रीकाल सस्रीकाल वेलकम सस्रीकाल जीजा जी सस्रीकाल जी आओ जी क्या हो रहा है जीजा जी आपकी लिखी हुई किताब ही पढ़ रहा था मैं मतलब किताब पहुंच गई आपके पास मैंने तो सोचा था कि आप किताब मुझे खुद प्रेजेंट करने आओगे पर मुझे बाजार से खरीदनी पड़ी बस क्या बताएं जीजा जी नहीं नहीं अच्छी टीचरबाजी की है ये कैसे आप पर मजाकबाजी कर सकते हैं पाजी तो आपकी इज्जत ही बहुत करते हैं ओह यस ये तो जीजा यूं ही बस जनरल सी किताब है बस हाँ तो फिर जनरल सी दो लाइनें सुनो जरा इरशाद धरी रह गई अफसरी मेरी भाई धरी रह गई अफसरी मेरी जब जीजे आंख मिलाई बड़ा पछताए रब्बा क्यों इससे बहन ब्याही मतलब तुम अपनी बहन ब्याह के मेरे साथ पछता रहे हो नहीं 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 जब मैं तुम्हारे दफ्तर आता हूँ तुम पे प्रेशर डालता हूँ नहीं नहीं मतलब वो मतलब नहीं है मतलब है क्या पूरी किताब छापी तुमने ये है क्या छोड़ो 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 जीजा जी ये 10 कार्ड है अब दफ्तर में अपने दोस्तों मित्रों को जिनको भी देने होंगे दे देना 18 तारीख नोट कर लो 18 तारीख को मैं तो फ्री ही नहीं हूँ क्या बात कर रहे हो क्यों क्या कर रहे हो उस दिन मैं उस दिन दिल्ली जा रहा हूँ सर्कस देखने और बाद में सर्कस के जोकरों के साथ मेरा डिनर है लो जीजा जी सर्कस आप दो दिन बाद चले जाना ना तुम ब्याह दो दिन बाद रख लेना देखो जीजा जी बात दरअसल ये ना कि उधर सारे वो पैलेस वैलेस बुक हो गए हैं बाजा घोड़ी सब बुक हो चुके हैं अब घोड़ी को क्या जवाब देंगे मेरा मतलब लड़के वालों को क्या जवाब देंगे है ना जी कार्ड उधर भी छप गए हैं कार्ड इधर भी छप गए जहाँ से ये किताब छपवाई है ना वहाँ से कार्ड दोबारा छप जाएंगे भाई मैं 18 को फ्री नहीं हूँ नहीं हूँ बस फाइनल है इनका हमेशा एक ही काम है रंग में भंग डाला आजी आप 18 की डेट पक्की करो अगर ये आते हैं तो ठीक है नहीं आते तो ना सही बेटा आप पजन सिंह जी से बात करके देखो अगर हम 18 की जगह 21 तारीख रख लें करी थी बात मैंने भजन सिंह के साथ मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कार्ड दोबारा छपवा लो कार्ड छपवाने का जितना खर्चा आएगा वो खर्चा भी हम दे देंगे नहीं माने बोलो ये भी बात ठीक है आखिर वो लड़के वाले हैं भला क्यों मानेंगे सारा फसाद इस किताब का डाला हुआ है इस किताब की वजह से नाराज हो गए हैं लिखी है बड़ी किताब जीजा जी
वो आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो पर जीजे के सामने तो झुकना ही पड़ता है। वो आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो पर जीजे के सामने तो झुकना ही पड़ता है। Yes, I got the point. सिद्धू साहब वेलकम वेलकम काका जगह दे बैठो बैठो यहाँ बैठो। मैं नहीं बजाता बेटे, मैं ऐसे सिद्धू आईएएस। ओ जातू जो आप यहाँ बैठो जी यहाँ बैठो। उस्ताद जी आप यहाँ बैठिए। सिद्धू साहब सबसे पहले ये बताओ कि आज आपने हमारे गरीब खाने में चरण कैसे डाले। बस भल्ला साहब आपकी जरूरत पड़ गई और जरूरत के वक्त तो नारायण खुद चल के चींटी के घर आते होते हैं कि नहीं। वैसे चींटी ने भवन अच्छा बनाया। देखो जी जूती तांग और जमाई नांग सारी उम्र मती मार लेते हैं, आप हुक्म करते चींटी खुद नारायण के दफ्तर आ जाती। अच्छा ये बताओ कि गर्म लोगे कि ठंडा। बस कुछ गुनगुना चल जाएगा। देखो अभी गुनगुनी पैरोडी आई है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं गीत नहीं गीत नहीं, गाना बजाना उसी दिन सुनेंगे शादी वाले दिन। शादी पे? हाँ हाँ इसीलिए तो आया हूँ मैं। देखो बिटिया की शादी रखी है ना। ओ बिटिया की शादी है। हाँ जी। ओ सिद्धू साहब आप चिंता ना करो पूरा समा बांध देंगे। बाकी सारी बातें भी क्लियर हो जाएं भल्ला साहब तो अच्छी बात है। दान की साइज बता दो कितनी होगी। सिद्धू साहब बात यह है कि लोगों से 1.5 लाख, अपना रिश्तेदारी का मामला है, आपसे सिर्फ 1 लाख। लाख रुपया कुछ ज्यादा नहीं है भल्ला साहब, रेट थोड़ा सेट कर लो, गीत दो काम गा देना। सिद्धू साहब एक्चुअली गीत तो मैं दो ही गाता हूँ, उसके बाद स्टेज से नीचे उतर आता हूँ। वो क्यों जी? क्योंकि उसके बाद शराबी हुई बरात जनरेटर की आवाज पे अपने आप ही नाचती रहती है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। So funny. आप डेट बताओ, डेट कौन सी है? 18 तारीख है जी। बेटा चेक कर डेट खाली है। अच्छा उस्ताद जी ये खाली है उस्ताद जी। देखो सिद्धू साहब कुदरती 18 तारीख खाली है। कुदरती तो क्यों जी, तुम्हारा तो सारा महीने खाली होता है वैसे। क्या कहा? अब मेरा मतलब थैंक गॉड देखो आपकी डेट खाली है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके साला साहब जसपाल भट्टी साहब की डेट खाली नहीं है। तो क्या हो गया जो खाली नहीं? भट्टी ने कौन सा हमारे साथ आके ढोल बजाना है? देखो आपके साथ उनकी रिश्तेदारी और है भल्ला साहब, पर हमारे वो लगते हैं जीजा जी, और जीजा जी शादी में ना हो तो पॉसिबल ही नहीं ना कि शादी हो जाए। और देखो 3 फ्लोर नीचे भरे पड़े हैं सिंगरों के, मैं 4th फ्लोर पे चढ़ के आपके पास स्पेशली आया हूँ। 1 लाख रुपया दे रहा हूँ आपको मैं, जबकि आपको कोई 10,000 ना दे। क्या कहा? नहीं नहीं देखो माइंड मत करना, मैंने आपसे पहले कहा था, देखो पब्लिक कंट्रोल तो सारे सिंगर कर लेते हैं। भला साहब आपको स्पेशली इसलिए बुक करने आया हूं मैं कि आपने उस दिन जीजा कंट्रोल करने पर जोर देना जरा, क्योंकि भट्टी साहब जरा अड़ियल स्वभाव के हैं। अड़ियल स्वभाव होगा आपके लिए, मेरे लिए तो राम गऊ है, कहो तो आपके सामने खदेड़ दूं क्या? हाँ जी प्लीज। अभी लो। हेलो। जूती तांग और जमाई नांग सारी उम्र मती मार लेते हैं। सत श्री अकाल जीजा जी। सत श्री अकाल। ना तूने मुझे बताया नहीं कि तेरे साले की बेटी का 18 तारीख को ब्याह है? वो तो जीजा जी अभी डेट फिक्स नहीं ना हुई। तू कहता डेट फिक्स नहीं हुई, मेरे सामने पूरा कार्ड पड़ा है, साथ में उस दिन गाने बजाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझ पे डाली है। अच्छा जी। एक बात और, उस दिन ढोली के पास और हमारे गिटार वाले के पास कोई गाड़ी नहीं है, और उनको वहाँ पहुँचाने की जिम्मेवारी भी जनाब की है। पर मैं तो उस दिन यहाँ हूँ नहीं, मैं उस दिन दिल्ली हूँ जी। और तूने वहाँ दिल्ली जाके झंडा चढ़ाना है, यहाँ तेरे जीजे का प्रोग्राम है। अच्छा जी। और जूती टांग और जमाई नांग सारी उम्र मती मार लेते हैं। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि 18 तारीख को टिम्मी की शादी अटेंड कर ही लूं। क्यों, उस दिन आपका सर्कस के जोकरों के साथ डिनर नहीं है? जोकर बेचारे क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, सोच रहा उन्होंने क्या, सर्कस तो हर साल लगती रहती है, टिम्मी की शादी हर साल तो होनी नहीं। आई सो स्वीट, मुझे पहले ही पता था आपका अंदर से दिल बहुत ही सॉफ्ट है, कितना बढ़िया फैसला लिया आपने। रानी डार्लिंग बहुत गजब ढा रहे हो आज, मुझे कंफ्यूज कर दिया तुमने, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आज बेटी की शादी हो रही है कि हमारी शादी हो रही है। आप भी ना बस। डॉक्टर साहब वेलकम वेलकम वेलकम। लो ये मिठाई के डब्बे गाड़ी में रखाओ भाई, शगुन के लिए देर हो रही है। जल्दी कर लो कहीं लड़के वालों का मूड ही ना बदल जाए। रानी ये फ्रूट के टोकरों का क्या करना है? करना क्या है, काट के गरीबों में बांट दो। वो पैसों के लिफाफे कहाँ हैं? वो पाजी ने संभाल के रखे। वो अपने पास संभाल के रखते हैं ना, बार बार गिनते रहते हैं कहीं शगन ज्यादा ही न चले जाए। जल्दी करो चलो। हाँ चलो। मामा लग रही हो ना बिल्कुल डिफरेंट। हाँ 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 बिल्कुल डिफरेंट। लो मामा मामी जी भी आ गए। सत श्री अकाल।
सत्रीकाल जी, सत्रीकाल, आइए जी। मामा जी सत्रीकाल तो ठीक है, आप आने से पहले कोई चिट्ठी विट्ठी डाल देते, SMS ही कर देते या फिर ईमेल कर देते इंटरनेट पे। ओए, तुझे कौन सी ईमेल भेजनी थी इन्होंने? भाई हम इस घर के जिम्मेदार नौकर होते हैं, सारा काम धंधा हमें संभालना होता है, हमें पता तो लगे कौन सा मेहमान कितना खाएगा, कितना शगुन देगा। ले वहां रख दे। क्या कर रहे हो आप, यहाँ अखबार पढ़ रहे हो? वहाँ सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उन्हें जाके मिलो, कितना खुशी का मौका है। खुशी का मौका खाक है, सुबह से यहाँ किसी ने मुझे नाश्ता तक तो पूछा नहीं। लो नाश्ता तो अब हम लड़के वालों के घर करेंगे जाके जीजा जी, आखिर इतना शगुन जो डाल रहे हैं क्यों? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है जब मेरे घर भी आप शगन लेके आए थे ना, शगन कम डाला था और नाश्ता ज्यादा डकार गए थे। मैं तो मजाक कर रही थी जीजा जी। लो मैं नाश्ता अभी बना देती हूँ, शगुन का क्या है, हम आधे घंटे बाद चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मेरे लिए शगुन लेट करने की कोई जरूरत नहीं आएगी। मेरा क्या है, मैं तो मार्केट से जाकर ब्रेड ऑमलेट खा लूंगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। जूती तंग और जमाई नंग, सारी उम्र मती मार लेते हैं, कहाँ चले जनाब? कुछ नहीं, मैं जरा ब्रेड ऑमलेट खाने जा रहा था। वाह, अंडे को हाथ लगाया, पुर्जी का ख्याल आया। भाई अंडों की पुर्जी तो हम भी जरूर चखेंगे। जीजा चलो फिर मैं आपको बाजार से खिला लेता हूँ। ना बाजार से खिलानी है तो मैं मिलाऊंगा, जो खिलानी है तो घर में बना के खिला, घर का जीजा है। जीजा तो हूँ लेकिन इस वक्त मैं जरा रूठा हुआ हूँ। जूती तंग और जमाई नंग, सारी उम्र मती मार लेते हैं, अगर रूठा ही हुआ है तो खुद बना के खिला। ऑमलेट मैं खुद बनाऊं? देख ले, नहीं बनाएगा तो मैं रूठ जाऊंगा। लो आप इनको क्यों तकलीफ देते हो, मैं बना देती हूँ। ओ आप अपने शगन की तैयारी करो जी, ये अपने जीजे के लिए ऑमलेट नहीं बना सकता, क्यों है? जूती तंग और जवाई मलंग। ओ मलंग नहीं नंग। वो एक ही बात है, सारी उम्र मत मार के रख देते हैं, मुझे लगता है ऑमलेट बनाना ही पड़ना। काला डोरिया कुंडे विच फसे आई होए, जीजा बिना गलो ही रहंदा ही रुसे आए। हेलो, हाँ जी। क्या हो रहा है फिर? बारात का इंतजार हो रहा है बेसब्री के साथ। दरअसल मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहली बार हो रहा है ना। हैरी, यू नो आई वांट समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट? भाई अब क्या फितूर चढ़ा है जनाब के दिमाग पर? मैं सोच रही हूँ मैं घोड़े पर बैठ कर आऊँ और तुम मेरी बारात रिसीव करो, और उसके बाद तू ब्याह के मुझे अपने घर ले जाए और मैं सारी उम्र घर जमाई बन के रहूँ। नहीं 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 नहीं, मैं फेरों के बाद वही आ जाऊंगी, हम घोड़ी वापस भेज देंगे। यार ये ट्विस्ट विस्ट कुछ नहीं, ये ट्विस्ट के चक्कर में कोई नया पंगा मत डाल के बैठ जाना, कार्ड छप चुके हैं और बारात लेकर मैं ही आ रहा हूँ, फाइनल। नहीं हैरी, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट क्या करूँ, बारात लेके तेरे पड़ोसियों के घर चला जाऊँ मैं? नहीं तू ऐसा कर, हाँ तू साइकिल पे बारात लेकर आ। साइकिल पे? यार तेरे डैडी इतने बड़े अफसर हैं, मैं साइकिल पे बारात लाता अच्छा लगूंगा। फरहाद ने शीरे के लिए नहर खोद दी और अपनी जांग से मांस खिलाया, तू मेरे लिए साइकिल पे बारात नहीं लेके आ सकता। अच्छा अच्छा, रो ना, मैं साइकिल पर बारात लेके आ रहा हूँ, अब खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। ओके, अजीब लड़की है यार। यहाँ रोने की आवाज आ रही थी, कौन रो रहा था? ओह कुछ नहीं बुआ जी, मैं डोली के लिए रोने की प्रैक्टिस कर रही थी। ओह हाउ स्वीट। दिल खोल के रो, आराम से रो, एक बार रो के बता। वंडरफुल, ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहे। मैं जरा तैयार होके आई, बारात आने का टाइम हो गया ना। साहब इसमें से दूल्हा कौन है? वो जो हैंडल वाली घोड़ी पे चढ़ा आ रहा है। कितना जच रहा है। साइकिल दूल्हा। भट्टी साहब मैं कहता हूँ इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है यार। लो बात कैसे नहीं महाराज, 2 महीने हो गए मुझे सस्पेंड हुए, आप कह रहे थे शादी से पहले मुझे बहाल करवा दोगे, मैं कहता हूँ लख लाना था आपके जीजा होने पर। भाई तेरी बात कुछ हद तक तो ठीक है,
अगर आज के दिन भी मैं दब गया तो दुनिया भर के सारे जीजाओं का सर शर्म से झुक जाएगा। और क्या, सारे जीजे आप पर थू थू करेंगे। ओए मंगत राय, तू घबरा ना, अभी तो सिर्फ बारात ही आई है ना, वो मिलनी तो नहीं हुई। ओए बात करता है तू। मामा जी को बुलाओ जी, मामा जी को। आइए मामा जी। जीजा जी कहाँ है? जीजा जी यहीं। जीजा जी मैं देख के आती हूँ। देख के ना। सरदार जी अगर जीजा जी नहीं है तो मेरी मिलनी करवा दो। तू परे मारो। जसपाल जी उधर मिलनी हो रही है, आपको बुला रहे हैं, चलो चले। वो इतने बंदे हैं, अपने आप कर लेंगे मिलनी। और फूफा की मिलनी तो फूफा के साथ ही होनी है ना। पहले ये पता करके आओ उधर मेरे बराबर का कोई बंदा है भी है या नहीं। हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई है ना, आप उनमें कोई ना कोई पंगा डाल के बैठे रहा करो। सरदार जी मिलनी हो रही है, अगर मेरी मिलनी करा देते तो। मैं खुद मिलनी नहीं कर रहा, तेरी कैसे करा दूं। और मुझे पहले पता तो चल जाए कि उधर बराबर का बंदा कोई है भी है या नहीं। पर मेरे बराबर के तो बहुत है जी। यार तू दफा हो, कहीं मेरा मूड ही ना ठीक कर देना। जूती तंग और जमाई नंग, सारी उम्र मती मार लेते हैं, अब तेरे बराबर का आदमी कहाँ से ढूंढे। सारे आदमी तो तेरे से ऊंची औकात के हैं यहाँ पे। ओ जीजा जी, मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब था कि इतना सा वेरीफाई कर लो कि जो लड़के का फूफा है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है या नहीं। आप तो बी ए फेल है, इसी बात पे लड़के का फूफा रूठा हुआ है। उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि भाई वो फेल नहीं है, उसकी कंपार्टमेंट आई थी। आप बस मिलनी करा दो, हम पेपर दिलवा देंगे। ये आपके साथ वादा रहा कि लड़की चाहे बसे ना बसे पर फूफा को अगले साल बीए जरूर करवा देंगे। जीजा जी थोड़ा थोड़ा मुझे यूं महसूस हो रहा है, कहीं आप मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे। पागल, जीजा तो आता ही दो कामों के लिए है। कौन कौन से जीजा जी? एक तो शादी में मिलनी कराने के लिए और दूसरा दूजा बेइज्जती कराने। जीजा जी इतना तो पता कर लो कि जिससे मेरी मिलनी हो रही है वो कोई मशहूर बंदा तो है। अब देखो ना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा एक स्टेटस है, एक लेवल है। अगला तेरे से ज्यादा मशहूर है, तू तो मोहल्ले लेवल का वर्कर है ना, अगला नेशनल लेवल का रेसलर है, यानी कि पहलवान है। पहलवान है? हाँ। फिर नहीं करता मैं मिलनी। बस डर गया तो उससे ज्यादा तो लड़के की बुआ दिलेर है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कोई डरपोक तो नहीं है। शक्ल से तो डरपोक ही लग रहे होगा, डरपोक नहीं तो उठो शेर बनो। हाँ हाँ मैं तो शेर ही हूँ, अब चलो। शाबाश है, मैं चलू, मिलनी तुझे करनी है मुझे करनी है, उठो उठो, शाबाश, बंदे बनो, चलो चलो चलो, अब शेर बना, चलो जी निकालो फूफा बाहर, शाबाश। हाँ जी बस बस, आमलेट बन जाएगा, अंडे बाहर आ गए। शगना दी रात आ गई, रात ये खास आ गई, शगना दी रात आ गई, रात ये खास आ गई। प्लेट उठाने से पहले जरा दो मिनट तो रुकना जी, प्लेट उठाने से पहले जरा दो मिनट तो रुकना जी। पहले 501 निकालो, पहले 501 निकालो, बाद में भोजन चखना जी। पहले 501 निकालो, बाद में भोजन चखना जी। घर वालों को शगुन तो डालो, फिर गलासी चखना जी। बधाई की हमको क्या जरूरत, घर में है बहुत तेरी, शगुन दिए बिन किस गए तो बेइज्जती होगी तेरी। वीडियो में सब कुछ दिखता है, वीडियो में सब कुछ दिखता है, शगुन तो कम ना रखना जी। पहले 501 निकाल, 501 निकाल, पहले 501 निकालो, बाद में भोजन चखना जी। पहले 501 निकालो, बाद में भोजन चखना जी। घर वालों को शगुन तो डालो, फिर गलासी। चाचे भूखे सारे, चिकन की शामत आई, बिन पानी के दारू पी के भूपा हो गया।
ओ मामे चाचे भूखे सारे चिकन की शामत आई, बिन पानी के दारू पी के भूपा हो गया आई। असी सोचे आसी दस किलो, असी सोचे आसी दस किलो चिकन कदे ना मुकना पई, 501 फड़ा दियो पहले 501 निकालो, हाँ 501 निकालो, बाद में भोजन चखना जी, घर वालों को शगुन तो डालो, फिर गलासी चखना जी। 2.5 लाख चला गया केटरिंग वालों को, 1.5 लाख चला गया टेंट वालों को, और 1.25 लाख चला गया डेकोरेशन वालों को, और कोई खास खर्च तो नहीं किसी के रह गया देने वाला? 22 रुपए रेड़े वाले को दिए थे मैंने पर्सनल। उसका चेक भी ले जाना आके सुबह। सिद्धू साहब, भल्ला साहब की भी कुछ पेमेंट बाकी है, वो भी जरा करवा दे। हाँ, तो हाँ, आओ आओ भल्ला साहब, आओ आओ। कितनी पेमेंट थी अपनी? है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, कितनी पेमेंट बनती है अपनी? वैसे तो जी जूती तंग और जमाई नंग सारी उम्र मती मार लेते हैं, आप जो मर्जी दे दो जी। नहीं नहीं, देखो शर्माने वाली बात नहीं है भल्ला साहब, जितनी पेमेंट बनती है आप बताओ, अगर आप जैसे लोग भी शर्माने लगे तो काम कैसे चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, तो फिर 3 लाख दे दो। क्या बात कर रहे हो आप, 3 लाख? 1 लाख में बात हुई थी अपनी। अच्छा जी महाराज जी, 1 लाख थे गीतों से बोर करने के लिए, और 2 लाख है जीजे को कंट्रोल करने के लिए। जीजा कंट्रोल चार्जेस आपने कुछ ज्यादा नहीं लगा लिए भल्ला साहब? चलो जी पैसे छोड़े, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ काम कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा काम हो गया, गुरु महाराज ने कितनी कृपा की, बच्ची की शादी हो गई, मन से बोझ उतर गए। सबसे बड़ी बात, जीजा कंट्रोल में रहा है आज। काम बताओ काम। काम तो कमिश्नर साहब एक छोटा सा ही है, मंगत राय को बहाल कर दो, ये मेरे लिए बड़ा जरूरी है। जरूरी है? बस ये समझ लो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। देखो भल्ला जी, एक तो आज मुझे आपका कोई गाना समझ नहीं आया, ऊपर से मुझे ये नहीं समझ आ रहा आपकी क्या मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मंगत राय मेरा जीजा है।